अस्सलाम वालेकुम। कल मैं लाइव स्टार्ट हुआ और जो सारे लोग हैं मेरी वाईटी वाले उन सबको सभी मेरा आज बहुत बहुत मुबारक हो। कल मैं जो थी वाईटी पे मैंने अपना स्टार्ट किया और मैंने ऐड ही नहीं किया और मैं ऐसे ही जो है वो स्टार्ट हो गई और बाद में मुझे पता चला कि मैंने जो है वो लाइव स्टार्ट किया ही नहीं था और ऐसे ही जो है वो अपना वो बोलना स्टार्ट कर दिया था। और इतनी देर से मैं सोच रही थी मतलब कुछ हो नहीं रहा था। मैं पता चला कुछ हो नहीं रहा था, मतलब मैंने अपना लाइव स्टार्ट ही नहीं किया हुआ था। सो आज हम सबसे पहले ये करते हैं कि अपना लाइव करते हैं स्टार्ट। वालेकुम सलाम बाबा कियानी, थैंक यू सो वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शबे मेराज बहुत 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 मुबारक हो आपको बाबा, शबे मेराज मुबारक, खैर मुबारक आपको भी, बहुत 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 शबे मेराज की मुबारकबाद। और बताएं क्या हो रहा है आजकल। यार दुनिया सारी जो है ना, जैसे ही आप ओपन करो ना तो वो आपको क्या करते हैं कि आपकी आपकी मर्जी की, जैसे आप कुछ चीजें सर्च करते रहते हैं तो उस तरह की चीजें आपको तो उसमें नजर आती रहती है। मुझे सारा टाइम वाईटी जो है वो है वो दिखाता रहता है। आईफोन किसने आईफोन खरीदा किसने नहीं खरीदा, मुझे ऐसा लगता है मुझे वाईटी जो है ना जेलस करा कर रहा था कि इस बंदे ने जो है वो वाईटी वो खरीद लिया, उसने खरीद लिया। आज छोड़कर इबादत करनी थी, खूब दुआएं मांगनी थी, मैं थोड़ा काम कर बैठी थी जो मुझे काम करना था एज एन काम इस टाइप का काम टाइप काम, तो इंशाल्लाह वो काम मेरा एक दो घंटे में खत्म हो जाएगा। तो उस काम के बाद फिर इंशाल्लाह बैठ के जब हम वो इबादत करेंगे और फिर हम दुआएं मांगेंगे। तो न्यू अपडेट पता चली थी, हाँ मुझे अभी सैयद ही बता रहे थे कि नई चीज एक आई है कि आप जो है आपको वो पता नहीं है टैक्स की इंफॉर्मेशन देनी है और पता नहीं क्या क्या देनी है, तो मैं इतने क्वेश्चन पूछ नहीं सकी टैक्स की। हाँ जी टैक्स की पता चली है मुझे भी, तो जरा मुझे तो थोड़ा तफसीलन मैं आपको लिंक दूँ अगर आप वो कराना चाहते हैं ताकि आप आगे कर सकें, और अगर नहीं भी कर सकते तो आप जो है ना वो मुझे बताते हैं तो यहीं पर ना कैसे कि टैक्स में आपको टैक्स देना तो टैक्स काटना शुरू कर रहे हैं आपके, उसमें से वही वाली बात है गरीबों ने रोजे रखे तो दिन लंबे हो गए, हमारा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ नहीं, उन्होंने टैक्स जो है वो पहले काटना शुरू कर दिए। दो जस्ट टैक्स की इंफॉर्मेशन दे रही है या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा ठीक, क्या लिखा है आपने, जो भी उससे बाहर हों उनको अपने डॉलर से टैक्स देना होगा, जो भी यूएस से बाहर है उनको, मतलब जो भी यूएस से बाहर है उनको अपने डॉलर से टैक्स देना होगा। और कितने परसेंट, मतलब 24% जो है वो टैक्स होगा, अभी मुझे पूरी अपडेट नहीं है कितने परसेंट कटेंगे। ओके ठीक, एम एफ सादी अस्सलाम वालेकुम, शामिल ने हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम शादी कैसी हैं आप, थैंक यू सो वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शादी आप प्लीज हमारी जो है एल जी को मेरे को लाइक ज़रूर कर दें और उसके अलावा बताएं कि जी आज आपको नई अपडेट का पता चला है या नहीं पता चला। वालेकुम सलाम शादी भाई, हाँ जी शादी आपको नई अपडेट का पता चला है कि आप जो है वो हमें टैक्स भी देना होगा। खैर टैक्स जो है होता है मोस्टली वो आपके बिजनेसेस पे होता है, ठीक है, तो ये तो आपका लैंड बिजनेस तो है नहीं, तो मेरा नहीं क्या यूट्यूब जो है वो टैक्स जो है वो पे कर रहा है कि इस
इस तरीके से वो लोगों से टैक्स लेना शुरू कर रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब क्या करना शुरू किया वैटी ने और क्या नहीं, अल्लाह खैर करे। अब जाहिर सी बात है, अभी बड़े चैनल जो है ना वो साथ ही इसको ऊपर तबसरे करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर कुछ अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है। आपको पता चला नया कि YouTube ने टैक्स काटना शुरू कर दिया। अब हमारी बारी लंबी कहानी है, फ्री टैक्स देने वाली। सीरियसली हाँ, तो आप बदतमीजी खत्म करें और आप भी पहुंचे लाइव में। अब हमारी बारी लंबी कहानी है, फ्री टैक्स देने वाली। हाँ वो तो है, YouTube ने टैक्स काटना शुरू कर दिया। आ रही आवाज? फ्री अपडेट सीख कर वीडियो बनाकर डाल दो। कौन से अब? अच्छा हाँ, वैसे सच में वो राजा भाई से ना एक क्लास लेनी पड़ेगी, तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हेलो, कैसी हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं रीम को बहुत तमीज से लिखते हैं। तो एक सेकेंड, दूसरा हैंड्री की तरह। अच्छा, हाई यूजर ऑन द चैनल बाबर है, क्या आ रहे हैं? ओके बाबर, मुझे ये बताएं कि राजा जो है उन उनसे आपकी बात हुई है कि उनको ये इसका पता चला है? जी, मेरे पास जी महरीन, मेरे पास टॉपिक तो बहुत है, लेकिन मैं अब जाहिर सी बात है सास बहू की लड़ाइयों और नंद की बुराइयों वाले टॉपिक तो बात कर नहीं सकती ना। यहाँ पे हमारी जो कि शादी हुई थी और ये वाले काम हमारे हो नहीं सकते। नहीं, मेरी आज बात ही नहीं हुई, बिजी हूँ था बहुत आज। ओके जी, ठीक हो गया। तो वही वाली चीज है क्या? है किस किस का? अच्छा, वो छोड़ो, मेरी बात सुनो। YouTube ने ना टैक्स लगा दी है। हाँ, अब यूएस से बाहर फिलहाल यही पता चला, यूएस से बाहर जितने भी हैं ना उनको टैक्स देना पड़ेगा आपके इनकम पे। गरीबा रोजे रखे तैयारी हो गया। कुछ भी नहीं कह रही, ये तो आज ही यहां से ईमेल आई है जिनके एडसेंस थे, तो अब ये जिनके एडसेंस थे हाँ, तो अभी वीडियो वीडियो बनना शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद वो तो लानत पड़े, पता चले ना चले उसमें हम भी वीडियो बना के बैठी गंगा में हाथ धो ली। अब जो है ना, अब अल्लाह बेहतर करे, पता नहीं ये। हाँ उससे पूछो, उसको भी आई होगी तो पता चल जाएगा। नहीं मेरी, अच्छा जी, इतनी हंसियां किस खुशी में आ रही है आपको? बाबर दा पंसारी, बाबर दा पंसारी। तो
अच्छा बाबे मेरी बात सुने, आपका तो नहीं, आपका भी चैनल मोनो नहीं है ना। मसला ये है कि जिसका चैनल मोनो हो ना, उससे बंदा डिस्कस करेगी, और यहाँ पे हम गरीबों फ्री इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, वीडियो बना दो, चैंस है ऊपर जाने के। हाँ ना, वही मैं करती, पर मैं यही तो कह रही कि जिनके मोनो है ना, उनसे मतलब रब्ता करना पड़ेगा कि उनका है या नहीं, या जिनके एडसेंस से अकाउंट जो है ना वो है। वो तो देखते हैं, मैं अभी जो अभी थोड़ा सा काम जो है वो देखती हूँ, और उसके बाद ना इंशाल्लाह मैं देखती हूँ कि मैं ना वीडियो बनाऊँ। तो मैं तो न्यू हूँ, फ्री, अभी 2 माह भी नहीं हुए मुझे। सेम यार, मेरा भी जनवरी 15 जो है उसको बना था, तो जनवरी 15, फरवरी 15 और मार्च 15 में, तो मेरा भी 2 माह पूरे होंगे, मेरे भी अभी 2 माह पूरे नहीं हुए। तो इस वजह से मैं भी जो है ना वो कुछ नहीं कह सकती कि क्या है और क्या नहीं। ये तो वही मैं कह रही हूँ, ये तो कुछ मतलब हमारे तो सफर ही बहुत लंबे हैं, वो 100 सालों में कहीं जाके कुछ हो, कुछ पता चले। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम लोगों को व्हाट्सएप वो कितने नजर आ रहे हैं लोग ऑनलाइन? मुझे कुछ नजर आ रहे हैं, तो मुझे जरूर बता देंगे आपको कितना नजर आ रहा है। और राजा से बात ही नहीं ना हुई ना, उनकी आज लाइव आई है, मेरे ख्याल से कल वो जरूर लाइव करेंगे, क्योंकि जैसे अपडेट आई है ना तो उनका लाइव बनता है। मैं ये मतलब वो लाइव जरूर करेंगे, मुझे लगता तो है, लेकिन खैर अभी मैं, अच्छा 5 आ रही है, ओके, मुझे ना 2 आ रही थी लिखी हुई, अभी मेरी भी 5 हो गई है, मैं तो नहीं। अच्छा ठीक है, तो राजा को खैर मैं मैसेज कर दूंगी अभी, आप भी मैसेज कर दीजिएगा, क्या नाम है आपका, बंसारी दा, बाबर दा बंसारी, और सैयद आज का, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, लाइक डन, थैंक यू सो वेरी मच लाइक करने के लिए, हाउ आर यू महा, आई एम फाइन थैंक यू सो वेरी मच। सैयद भी आ चुके हैं, सैयद मेरी पास में, हमारी हमारी थोड़ी देर पहले, हाँ सैयद की लाइन में भी थोड़ी देर पहले गई थी, सैयद से इतनी ज्यादा लंबी बात ही नहीं हो सकी इस बारे में। सैयद मेरी बात सुने, आप ये जो आई है अभी अपडेट, ये ईमेल आई है आपको या क्या आई है? और अगर आप माइंड ना करें तो मुझे ये ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं ना आपको उस पर ईमेल वो अपना भेज देती हूँ, क्या कहते हैं वो, बल्कि मुझे कोई थर्ड पार्टी है, मैं वैसे पता कर लूंगी उस पे क्या है हिसाब। तो मैं वही कह रही थी कि सैयद अगर आपको क्या ईमेल आई है वो जो टेक्स्ट वाली है, या आपको किस तरीके से? अच्छा ईमेल आई है, अच्छा मुझे आप ईमेल का स्क्रीनशॉट या ईमेल का टेक्स्ट जो है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर उन्होंने आपके उसके अंदर डाली हुई है या कुछ, तो मुझे उसका टेक्स्ट जो है वो भेज सकते हैं उसके ऊपर इंस्टा पे, ताकि मैं एक दफा पढ़ूं तो सही कि उन्होंने बकवास क्या लिखी है, ताकि कुछ अंदाजा तो हो कि क्या हो होने वाला और क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से तो जो है सिग्नल्स का इतना, और आज तो आई सेंड यू, ओके जी ठीक है, यू सेंड मी, मैं देखती हूँ, वेट, इतनी देर में मैं इंस्टा को भी खोलूँ, इंस्टाग्राम, हम गरीब जिस जिस वो क्या कहते हैं एन, वो जो हम बोल रहे थे ना कि हमारी किस्मत इतनी ठंडी है, हम किसी चीज पे भी हाथ रखते हैं ना तो वो सोना भी मट्टी हो जाता है। तो ये मुझे जब किसी ने ये बताया ना कि ये है हुआ है, तो मुझे अल्लाह की कसम अपनी वो वाली बात याद आई, और मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई इस बात पे कि सच्ची में मतलब हम इस पे आए हैं ना, तो यहाँ पे भी ये वाला कुछ बदतमीजी शुरू हो गई है। हाँ उसके बाद हमारे पास पोस्ट ही ना रही वहां लगाने के लिए, है हम ऐसे वो क्या कहते हैं ना गरीब हुए ना, हमारी कई कजने बहनें इतनी अच्छी कि कोई गिफ्ट गुफ्ट करते हैं कि हम लगा दें कि फलाने हमें कोई गिफ्ट दे दिया, कुछ कर दिया है, बस
फ्री चेक इंस्टा, ओके जी मैं इंस्टा चेक कर रही हूँ, मैं सटा चेक कर रही हूँ। वालेकुम असलाम, क्या करें चेक इंस्टा हो तो बाबा आ गए। मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का कि जब मन्हा बड़ी होगी मैं उसको ये वाले पचूं पचूं वाले जूते लेके दूंगी, और मैं कभी उसके बाद अगर मैं कभी जिंदगी में लाइव कर रही हुई तो ये पीछे से पचूं पचूं कर रही हो और मेरी भलाई भी ना हो सके। चेक इट आउट नाउ, ओके जी ठीक है। क्या किया? हैंगर थे पहले को पहले लगे हुए। अच्छा तुम थी और अमरीन दोनों लाए, मैं दोनों के लाइव लगा दिए। अच्छा टेक के पहले बूटे फूल बूटे लगे थे, मैंने कहा अच्छा ठीक है हो गया फूल बूटे, थोड़ी देर गुजरी दो उसका हैंगर लग गए, उसकी कुछ और चीज लग गई, मैंने कहा वाह बस ये तो जो है ना YouTube टू टेक्स्ट कंटेंट, ओके जिस YouTube टू टेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर्स आउटसाइड यूएस फ्रॉम जून। अच्छा जी ये मैं जरा न्यूज खोल के पढ़ती हूँ, पहले मैं ना ये पढ़ लू। ओके जी ईमेल, अच्छा ईमेल का टेक्स्ट ऊपर था, ईमेल 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 यकीन आ गई होगी, मैं जरा वो ओके चुप कर जो। यू आर रीच, अच्छा वी आर रीचिंग आउट बिकॉज गूगल विल रिक्वायर टू डिडक्ट यूएस टैक्सेस फ्रॉम पेमेंट टू क्रिएटर आउटसाइड ऑफ यूएस लेटर दिस ईयर एज अर्ली एज जून। ओके लेटर दिस ईयर लेकिन एज अर्ली एज जून में स्टार्ट हो सकता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल बी आस्किंग यू टू सबमिट योर टैक्स इनफो इन एडसेंस टू डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू डिडक्ट इफ एनी अप्लाई इफ योर, अच्छा इफ एनी अप्लाई, जरूरी नहीं है कि टैक्सेस आपसे डिडक्ट हों, आप पे अप्लाई होने पे है कि अगर आप पे टैक्सेस अप्लाई होते हैं वो एक वो पूछेंगे आपसे, जैसे यहाँ पे भी अभी हाँ उसके बाद हाँ मेरे ख्याल से वो होगा, जैसे जैसे पाकिस्तान में भी है कि आपकी इनकम जो लाख हाँ कुछ लाख से ऊपर की आपकी इनकम हो तो उस पे आपको टैक्स देना होता है, कुछ लाख से उतने से कम अगर आपकी गवर्नमेंट में इनकम है या प्राइवेट में भी है तो उससे आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होता। ओके जी इफ एनी अप्लाई इफ यू, अच्छा इफ एनी अप्लाई का मेन चीज है योर टैक्स इनफो इजंट प्रोवाइडेड बाय May 31, 2021 गूगल में रिक्वायर टू क्या नहीं कह रहे हैं स्माइल, वो क्या कहते हैं ना इमोजी बना रहे हैं। ओके वी आर ओके गूगल में भी रिक्वायर टू डिडक्ट अप टू 24 ऑफ योर टोटल अर्निंग वर्ल्ड वाइड। अच्छा अगर आपने टैक्स डिटेल्स ना दिए आपने 31 मई तक ठीक है तो फिर उसके बाद आपकी डिडक्ट हो सकती है 24% अप टू 24%, जरूरी नहीं है 24 हो लेकिन 24 तक वो आपकी करेंगे, मतलब 24 से नीचे भी हो सकती है लेकिन 24 से ऊपर नहीं होगी, 24 एक वो क्या कहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा 24 हो सकती है लेकिन इससे कम कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके चैनल पे आपके चैनल की अर्निंग पे और आपके बाकी सारी चीजों पे ठीक है। और लेकिन ये होगी तब अगर आपने 31 तक अपना सब कुछ डिटेल्स जो है वो नहीं दी। बस मैं अदम ज्वाइन किया, सलाम वालेकुम सलाम, वेल डू आई नीड टू डू व्हाट डू आई नीड टू डू, ओके जी हमें क्या करना है, इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल रिसीव एन ईमेल टू सबमिट योर टैक्स इंफॉर्मेशन इन एडसेंस द ऑनलाइन टूल टैक्स टूल इज एडसेंस इज 6 tab एंड यू विल आस्क टू सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू गाइड यू थ्रू द प्रोसेस टू डिटरमाइन इफ एनी यूएस टैक्सेस अप्लाई। अच्छा वो चेक करेंगे कि यूएस के कोई टैक्सेस जो है वो आप अप्लाई होते हैं या नहीं, उसमें आपसे कुछ 6 series of question पूछे जाएंगे ये changes and a list of tax input to prepare visit our help center। okay जी आप help center कर सकते हैं। Google has a responsibility under chapter 3 of US International Revenue Code to collect taxes info from all monetized creator outside of US and deduct taxes in certain insurance instance sorry when they earn income from viewers in the US। okay जो यूएस के व्यूअर्स से जो आप पैसे कमा रहे हैं
उसके ऊपर यूएस का एक लॉ अप्लाई होता है जिसे आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो है, हाँ जी सैयद का चैनल मोनो है बाबर, तो वो टैक्स होंगे। फॉर क्रिएटर आउटसाइड ऑफ यूएस वी विल सून बी अपडेटिंग अवर टर्म्स एंड सर्विसेज एंड यू आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब विल बी कंसिडर्ड रॉयल्टीज फ्रॉम यूएस टैक्स परस्पेक्टिव। दिस मे इम्पैक्ट द वे योर अर्निंग्स आर टैक्स एंड एज रिक्वायर्ड बाई यूएस लॉ गूगल विल डिडक्ट टैक्सेस। ओके, ये गूगल डिडक्ट करेगा टैक्सेस। हाउ विल माई अर्निंग बी इम्पैक्टेड इफ यू प्रोवाइड योर टैक्सेस इनफो? यूएस टैक्सेस में ओनली बी अप्लाई टू योर मंथली यूएस अर्निंग्स फ्रॉम। अप्लाई फॉर मोर फॉर क्रिएटर आल्सो वी विल बी अपडेटिंग टर्म्स। ओके may impact the way you're earning your tax and the required by US law Google will deduct taxes. Okay, you provide taxes US may apply to your monthly US earning from AdSense. अच्छा, ये US taxes may only be applied to your monthly US earnings from AdSense. ये सिर्फ उस पे अप्लाई होगा जो आपके US से व्यूवर्स आ रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा। थ्रू एड व्यूवर्स YouTube प्रीमियम सुपर चैट YouTube सुपर स्टिकर्स एंड चैनल मेंबरशिप। ठीक है, इफ नो टैक्सेस इनफो इज प्रोवाइडेड योर टैक्स रेट में डिफॉल्ट टू द हायर इंडिविजुअल बैकअप विद होल्डिंग रेट 20%। अच्छा, इसमें ये है, नैनी व्लॉग्स में ज्वाइन, नैनीज व्लॉग में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आपको यूट्यूब की नई जो अपडेट आई है उसका पता चला या नहीं पता? इसलिए ईमेल आए हुए हैं? नहीं, इस ये ईमेल है हमें नहीं आई। ओके जी, आपको यहाँ जी मोनो चैलेंज वो आई है सिर्फ। अच्छा, उसमें ये कहा गया आप अपनी जो टैक्स डिटेल है वो देंगे तो आपसे सिर्फ यूएस के जो व्यूवर्स आ रहे हैं उससे जो आप पे अर्निंग हो रही है उससे हम एडसेंस पैसे काटेगा। अगर नहीं आप ये इंफॉर्मेशन देंगे तो टोटल वो हम जैसे क्या कहते हैं ना एस्टिमेटेड करके करेंगे और 24% ऑफ विद होल्डिंग रेट जो लगाएंगे वो 24% ऑफ टोटल अर्निंग्स वर्ल्ड वाइड, वो आपका क्या करेंगे वर्ल्ड वाइड से जो आपकी अर्निंग आ रही है ना उसका 24% काट लेंगे। टू एस्टिमेट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन योर अर्निंग फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करें आप अगर नहीं चाहते आप यूज पे हो। मुझे ना आप उसे क्या कहते हैं का नाम है आपका सैयद, आप ना इसका अगर आप माइंड ना करें मुझे ना इसका सारा टेक्स्ट आप भेज दीजिएगा, या आप ऐसे करें कि मुझे ना इसकी जिसे स्क्रॉल करके नीचे करते हैं तो मुझे ना इसकी एक वीडियो भेज दे छोटी सी बना के ना, तो मैं इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह सुबह जो है ना एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये जो मैंने पढ़ा है ना और जो इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग आई है तो उसकी, या फिर मुझे अगर आप वो नहीं कर सकते ना तो आप मुझे ना इसकी एक ईमेल की जो सारा टेक्स्ट है ना ईमेल का ये मुझे भेज दे, तो फिर मैं इस पे ये करूंगी। नहीं, मुझे नहीं आई ईमेल नैनी व्लॉग, ये सिर्फ नैनी ये उनको आई है जिनका है क्या कहते हैं मोनो चैनल है, जिनका चैनल मोनो नहीं है ना उनको ये आई नहीं है, तो बस इंतजार करें कि जिनके पावर कम प्लीज। ओके जी बाबर जाए, नहीं आपको बुला रही है और बाबर अगर हमारे साथ है तो थैंक यू सो वेरी मच, हमारे साथ लगे रहे जुड़े रहे आप लोग। ओके जी पंसारी, बेस्ट ऑफ लक जी। बिल्कुल, मैंने अभी आपका वो बोला जो आपने खलीज टाइम्स का भेजा ना उस पर करती हूँ, मैंने तो लिखा शब्द मेराज था, मुझे लगता है मेरा बंद होगा ना तो मैं न्यू अपडेट का करके तो लाइव देख वो टाइटल चेंज करना पड़ेगा। इट्स अ बैड न्यूज फॉर यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर्स एंड टैलेंटेड वीडियो प्रोड्यूसर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। गूगल ओन, ओके गूगल ने चूंकि यूट्यूब ओन कर ली है तो उसने अनाउंस किया है कि ये पेमेंट से जो यूएस के बाहर लोग होंगे ना उनकी पेमेंट से डिडक्ट करेगी। इन अ ईमेल यूट्यूबर द टेक जायंट सेड दैट द एडिशनल टैक्सेस ऑफ नॉन यूएस बेस्ड क्रिएटर इज गोइंग टू बी लेवल्ड बाय देम एज अर्ली एज जून 2021 ओवर द नेक्स्ट
few weeks we will be asking you to submit. Okay जी, ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है. How much tax will be deducted from the earning will depend upon the number of factors. Okay, number of factors पे होगा कि आपका जो कितना डिडक्ट करना है उन्होंने द टैक्स. रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अप, हाँ जी अप टू होगा अर्निंग वर्ल्ड वाइड इफ क्रिएटर डजंट सबमिट टैक्स इन्फो. जी, अगर आप टैक्स इन्फो नहीं अपनी सबमिट करेंगे तो वासिल वासिफ मिस ने हमें ज्वाइन किया, वजाइफ में, वजाइफ मिस ने हमें ज्वाइन किया है. सलाम वालेकुम. सलाम, थैंक यू सो वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए. प्लीज़ आपने हमारे लाइक को, अगर लाइक नहीं किया, नहीं आप और वजाइफ आप दोनों जो है ना वो लाइक ज़रूर करते हैं उसको. ओके जी, तो उन्होंने कहा अगर आप अपने टैक्स के इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट करेंगे तो हम आपका टैक्स 24% वर्ल्ड वाइड से जो आपकी अर्निंग हो रही है ना उस पर 24% काटेंगे. लेकिन अगर आप अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं तो हम देखेंगे कि आपके ऊपर कौन सा टैक्स, कितना टैक्स अप्लाई होता है, और वो भी सिर्फ US वालों से जो आप पैसे कमा रहे हैं उसके ऊपर जितना अप्लाई होता है तो उसके हिसाब से वो करेंगे. दिस मीन्स दैट अनटिल क्रिएटर सबमिट कंप्लाई कंप्लीट इन. हाँ जी, ओके. इफ द क्रिएटर सबमिट टैक्स इन्फो एंड द क्लेम ट्रीट बेनिफिट देन द फाइनल टैक्स डिडक्शन इज $15. इट इज बिकॉज इंडिया एंड US हैव अ टैक्स ट्रीटी रिलेशन that reduces the tax rate to 15% of earning from the viewers in the US. YouTube said the creator submit tax info but it is not eligible for a tax treaty benefit then the final deduction will be 30. Okay, अगर अगर ये इंडिया के हिसाब से है क्योंकि उनकी US के साथ tax treaty है, पता नहीं पाकिस्तान की है या नहीं है. So अगर उस tax treaty के under ये आता हुआ तो इसमें जो है ना वो $15 डिडक्ट होंगे, और अगर टैक्स ट्रीटी के अंदर ना आता हुआ तो $30 होंगे. वैसे ये लोरी तो थी नहीं जो आप सो रही हैं. इट इज बेसिक द टैक्स रेट विदाउट द टैक्स ट्रीटी 30% ऑफ अर्निंग फ्रॉम व्यूवर्स इन द US. ओके जी, अगर टैक्स ट्रीटी, अच्छा अगर आपकी टैक्स ट्रीटी के अंडर नहीं आता आपका मुल्क तो US से आप जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं उसका वो 30% काट लेंगे. ठीक है, जितनी भी आपने अर्निंग की है. और अगर आप किसी टैक्स ट्रीटी के अंदर आते हैं तो US के से जो आपने अर्निंग की है, नॉट वर्ल्ड वाइड, ये चीज समझे कि US से जो आपकी अर्निंग हो रही है उससे वो 15% काट लेंगे. ठीक है, ओके. और इसमें अभी पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान, हाँ जी. और उसके बाद क्या है कि ये इसमें सबसे पहली चीज ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो नहीं है, सुपर चैट नहीं है, स्टिकर्स नहीं है, चैनल मेंबरशिप और प्रीमियम यूट्यूब नहीं है. तो जहाँ भी ये यहाँ ये चीजें हैं, सुपर चैट जो है वो एक चैट होती है जिसमें लोग आपको पैसे दे सकते हैं. और उसमें नहीं नहीं इंडिया में भी है, इंडिया में भी है ये. और इंडिया में मैंने कैरी मिनाटी को करते हुए देखा है. हाँ जी, हाँ, और वो सारा कुछ ठीक है. तो ये पाकिस्तान में अभी नहीं है लेकिन उस पे भी. हाँ जी, एन ईमेल गोइंग ऑन यूट्यूब क्रिएटर नोटिफाई अबाउट द पेमेंट रेट वी आर रीचिंग आउट बिकॉज गूगल विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट US टैक्सेस फ्रॉम पेमेंट टू क्रिएटर आउटसाइड ऑफ US लेटर दिस ईयर. ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल बी आस्किंग यू टू सबमिट योर टैक्स इन्फो इन एडसेंस टू डिटरमाइन द correct amount of taxes to deduct if any apply. ये उन्होंने लिखा है कि वो आपका चैनल जो है वो रिव्यू करेंगे, उसमें देखेंगे कि आपसे कोई टैक्सेस कटते हैं तो वो काटेंगे, अगर अप्लाई होते हैं तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन थ्रू उनको दे दें. बल्कि ऐसे कोशिश करें कि ये जो बड़े चैनल हैं उनका थोड़ा वेट करें कि वो किस तरीके से दे रहे हैं और आपने भी देनी है, ताकि अगर US से आपकी कोई अर्निंग हो रही है तो उसके ऊपर आएगा. गूगल में भी रिकॉर्ड डिडक्ट अप टू, हाँ जी, अगर आप नहीं करेंगे 31 मई से तक अपनी इंफॉर्मेशन, टैक्स इंफॉर्मेशन उनको नहीं देंगे तो आपका 24% काटेंगे वो वर्ल्ड वाइड.
से जो आपके वो आ रहे हैं, मतलब आपकी टोटल इनकम का वो 24% काट लेंगे। अगर आप इंफॉर्मेशन सही सही अपनी दे देंगे तो शायद आपका काफी काम कटे। मतलब 1,000 रुपये में से 2,400 निकाल दो आप। हाँ, नैनी नैनी व्लॉग लाइव के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइव जो है वो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप पे हैं और अगर डायरेक्ट आपने करनी है यूट्यूब से, ठीक है। और अगर आप स्ट्रीम यार्ड जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ अगर वो करनी है तो ये आप फोन पे या लैपटॉप पे किसी पे भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपने फोन पे करनी है डायरेक्ट यूट्यूब से तो उसके लिए 1K सब्सक्राइबर का होना जरूरी है। अदरवाइज आप ये स्ट्रीम यार्ड जो है इसको ओपन करें और इससे कर सकते हैं। हाँ जी, 6+ आपका जो है वो सिस्टम होना चाहिए एंड्रॉयड का जो है वो। तो खैर आजकल सब फोन में लेटेस्ट ही चल रहा है। ओहो, तो वो तो आजकल खैर यहाँ से जो फोन है, मेरे ख्याल अभी तक आज एक नई अपडेट मैंने चीज पढ़ी है कि iPhone 5 और 4 जो है ना उसके अंदर, 4 और 4S में जो है ना ये WhatsApp का सिस्टम खत्म हो गया, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब WhatsApp जो है ना उसने अपने आप को इतना ज्यादा वो डेवलप कर लिया कि उसका सिस्टम जो है ना अब 4 और iPhone 4 और 4S पे नहीं चलेगा। मतलब iPhone 4 और 4S जिनके पास भी है ना वो खत, उनके ऊपर बाकी सारा कुछ चले तो चले, ये नहीं चलेगा। अब WhatsApp उसके ऊपर नहीं चलेगा, बाकी उससे आगे चलेगा। हाँ जी, ओके डियर, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग, मोस्ट वेलकम। अच्छा बाबर, मैं जो बताया आपको समझ आई है टैक्स की इंफॉर्मेशन की? मुझे जहां तक अभी तक जितनी चीज समझ आई है ना, उन्होंने ये बोला है कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना मंसूर को कॉल कर, मंसूर को कक खे ससवा नहीं समझ आएगी। हाँ, वो कहेगा मैगी तो मंगवानी है या तीन, ये मुझे बता दो। जी समझ आ गई है। हाँ जी, तो बाबर चले ठीक है, इंशाल्लाह सुबह जो है ना वो। अब बाबर मुझे ना 2-3 और इसी तरह के ना, एक सेकेंड बाबर, आप ना 2-3 इसी तरह के आर्टिकल मुझे और जरा ढूंढ के भेजे ताकि सुबह के लिए ना मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरी करूं। और सैयद अगर आप सुन रहे हैं ना तो मुझे ना टेक्स्ट नहीं, बाबर ने बनानी है तो बाबर बना ले। मैंने कौन सा बाबर के मुंह पे हाथ रख के बैठ गई, क्योंकि उसकी उंगलियों पे मैंने वट्टे मार दिए हैं कि बाबर जो है वो एडिटिंग नहीं करके वीडियो बना सकते। भी बनाए हैं 100 बिस्मिल्ला, जिस जिसने भी करनी है वो कर ले, मैंने थोड़ी ना किसी को बोला। वो नहीं, वो जो राजा बाजार में चीजें बेच रहे थे, आज 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 जूती जूती 10 रुपए, 10 रुपए जूती, 10 रुपए जूती, 10 रुपए जूती, रुमाल 20 रुपए, 20 रुपए रुमाल, 20 रुपए रुमाल, 20 रुपए रुमाल, आ जाओ बाजी 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 20 रुपए रुमाल, काला जी 20 रुपए रुमाल, बहन 20 रुपए रुमाल, वो काम शुरू करते हैं। ओके, मैं नहीं बना रहा वीडियो, इसलिए कहा है आप ना, नहीं वो ना मैं एन के साथ कॉल पे हूँ, शॉप वाली बाजी के साथ में कॉल पे हूँ, तो वो ना मेरे कहा, मैंने क्योंकि दूसरा भी हैंड फ्री लगाया था, उसको ना वो मेरी लाइफ समझी थी तो उसको आवाज गूंज के आ रही थी, तो फिर मैंने हैंड फ्री लगा लिया था। तो वो मुझे कह रही है कि हाँ बाबू तुम्हें ढूंढ के दे आर्टिकल, तो वो खुद ना बना ले वीडियो। तो मैं कहती हूँ मैंने कौन सा बाबू के मुंह पे हाथ रख दिया या उसकी उंगलियों पे बट्टे मार के लेके, उसने वो दोबारा वो अपनी वीडियो नहीं बना सकता। मतलब बना ले बेशक, खुद बना ले, भी हमने कौन सा मना किया। तो वो अब ये देखना पड़ेगा ना यूएस के साथ का, तो बाकी मुल्कों की तो टैक्स ट्रीटियां होंगी और उनकी तो अच्छी टैक्स ट्रीटियां होंगी, तो उसमें तो वो काफी सारी उनको सब्सिडी मिलेगी। हर माल हर चीज
5 रुपए 5 रुपए वो ना एन मुझे बता रही थी कि राजा ने बोला था कि अगर आप किसी भी चीज पे वीडियो बनाते हैं ना, तो आप बार बार उस चीज पे का नाम ले उस वीडियो में ना, क्योंकि वो फिर उस चीज को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करके जब आप कुछ भी लिखते हैं जैसे हाउ टू मेक बिरयानी, तो वो आपकी बिरयानी की वीडियो में बार बार आपने बिरयानी का वर्ड यूज करना, ताकि वो जब आप सर्च करें तो वो बिरयानी की वीडियो आपको शो कर दे। तो वो ये कह रहे थे कि बाबा कह रहे थे कि ये नहीं करना आपने कि आप ना वो अपनी वीडियो बनाए और उसमें ये करना शुरू कर दे, बिरयानी 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 और बिरयानी 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 तो शुगर लग जाए। तो वो मैं बोल रही थी कि मतलब वो वैसे वाला काम शुरू कर दे, राजा बाजार में जाओ ना तो वो चीजें बिक्री होती है। तो वो ये कहते हैं हाय माल 10 10 रुपए, बाजी 10 रुपए, चाची 10 रुपए, खाला 10 रुपए, 10 रुपए 10 रुपए, आओ जी ले जो ले जो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो उस हिसाब से वो बिरयानी की भी वीडियो कल मैं करूंगी ना, तो कल करिए एडसेंस एडसेंस। अब आप एडसेंस से करें, एडसेंस करें नहीं, अब ये टैक्स 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 आई। मैं तो इतनी शुगल वाली बात है बाद में बताऊंगी, मुझे तो यही वाला वर्ड बाद में याद कराना। इतना हमारे कल रात को मैं तो बेबी और मैं हंस हंस पागल हो गए। माशाल्लाह व्यू व्यू या वॉच टाइम, व्यूज कितने हैं यही पूछ रही हूँ। माशाल्लाह चल हाँ हाँ बहुत कम हाँ वही तो। मैं आज ना आज एक लड़का बैठा हुआ था और वो बता रहे थे कि क्या करते हैं ये लोग, वो लोग आपस में क्या करते हैं कि कजन्स हैं और वो एक दूसरे की वीडियोस ना लगा देते हैं, लिस्टें जो है वो लगा देते हैं, और इसी तरह उन्होंने एक दूसरे के चैनल मोनोटाइज कराए हैं और उसका हुआ हुआ था चैनल मोनोटाइज, तो इनके तो कोई मसले नहीं। और वो मैं वही तो कह रही हूँ, अभी 100 मुंह 100 बातें, बट सारी आपके हाँ बट सारी आपके टाइटल टैग और थंबनेल की है, बार बार टैक्स ना भी बोले तो चलेगा। हाँ वो भी है ऑफ कोर्स, ऐसी बात है आपका वो देखो कि इन्होंने कैसे गंदे गंदे, अच्छा ठीक है, इन्होंने कैसे वाहियात वाहियात वो इसको खोले और देखें कि आज ऐसा क्या हुआ, इसने यही कर दिया, इसको फलां का खोल के देखें इसने वीडियो में क्या ही हो गया। तो ऐसी कितनी वीडियो होती है हम खोल के देख भी लेते हैं कि वाकई कुछ हो तो नहीं गया, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस वजह से मतलब थंबनेल तो बहुत आपका जो है वो करता है। मैंने एक वीडियो डाली है आपने यकीन करें, उसके अंदर वीडियो में कुछ भी नहीं है, सच्ची में उस वीडियो में कुछ नहीं है। मेरी वीडियो है जीटी रोड समथिंग के नाम से, कुछ कुछ जीटी रोड के नाम से मैंने डाली है वीडियो, उसमें कुछ नहीं है, जस्ट ना जीटी रोड पे सफर करने की वीडियो है। उसके ऊपर 200 मैंने ना अपनी सारी वीडियो पे जो काम किया ना वो 100 तक काम किया, 100 के बाद मैं अपनी वीडियोस पे कोई काम नहीं करती। बस मेरा ये मेन है होता है कि मैं 100 क्रॉस करा के छोड़ दूँ, उसके बाद ऊपर जो कुछ होता है ना वो ऑर्गेनिक हो रहा होता है, ठीक है। खैर ये भी ऑर्गेनिक ही होता है, ये नहीं है कि ये ऑर्गेनिक नहीं होता, लेकिन 100 तक मैं पुश करती हूँ, मतलब 100 एटलीस्ट क्रॉस करे। मैं लोगों को वीडियोस भेजती रहती हूँ, ये हो वो कुछ भी हो ना मैं 100 क्रॉस कराती हूँ उसको, उसके बाद हमें छोड़ देती, मतलब 100 मेरा ये है कि अभी तक मेरी सारी वीडियो ना मुझे ये है कि 100 जरूर क्रॉस करनी चाहिए। तो मेरा ये है कि मैं 100 क्रॉस कर, अब मेरी वो वाली जो वीडियो है ना वो 200 क्रॉस कर गई है, और ऐसी ना कल परसों मेरे उस पर नजर पड़ी तो मैं सोचा कि यार इसमें क्या है, इसमें ऐसी कौन सी चीज थी कि ये वाली जो है वीडियो लोग देख रहे हैं। फिर एक और क्या था, हाँ फिर जैसे
31 बोरी, लेकिन तो सबसे ऊपर जो मेरी वीडियो आती है ना, एक मेरा भूल गया कि उसका क्या नाम आता है, लेकिन वो 30 सेकंड की है, 33 या 34 सेकंड की वीडियो है, उसके ऊपर सारी सी पता लोग सारे क्लिक करते हैं, तो वो भी मेरा 200 क्रॉस कर चुकी है। फ्री याद रखो, थंबनेल टाइटल टैग आपकी वीडियो के अबाउट ही हो। हाँ, वो मेरी वीडियो के अबाउट ही है, तो जीटी रोड के ऊपर ही सफर हो रहा है, लेकिन वो बस सफर की, मतलब वो जीटी रोड के ऊपर, समझो गाड़ी जा रही है, उसी की 7 मिनट की वीडियो है, तो वो जीटी रोड के ऊपर ही गाड़ी जा रही है, वो है जीटी रोड की ही वीडियो, लेकिन उसके अंदर और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने जस्ट लिखा जीटी रोड, पता नहीं सफर या कुछ इस तरह लिखा है, और अंदर जीटी रोड के ऊपर ही सफर हो रहा है, ठीक है, वो रोड जीटी रोड ही, और उसके अंदर जस्ट वीडियो बन रही है कि जी सफर हो रहा है जीटी रोड के ऊपर, गाड़ी जा रही है, और उसके ऊपर मेरा 200 प्लस गया। वो मैंने 100 तो मैंने खुद किए, बाकी जो 100 हुआ है, 100 प्लस हुआ है, वो इसी तरह ही है। फिर मेरी को एक तो और वीडियो है, हाँ, अली सदपारा की, उसके ऊपर मैंने 100 किया है, अभी मैं यहाँ से 156 या 160, मतलब 160 हो गए, 100 तो मैंने खुद किया, बाकी 60 जो है वो खुद हुए हैं। फिर मेरी एक दो और वीडियो है जो 200 क्रॉस की है, तो वो खुद ही क्रॉस की है, मैंने नहीं उनको क्रॉस कराया, मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं, इतने तो लाइक्स, 100 तो लाइक्स फिर भी नहीं आए, 100 तक मैंने खुद पुश कर करके लोगों को कि हाँ ये देख लो ये फंस गई है, क्योंकि सारे लोग लाइक नहीं करते ना। हाँ, होते हैं सारे लोग नहीं लाइक, जैसे मैंने तुम्हारी वीडियोस लगाई थी जब मैं बैठी होती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी वीडियोस लगा देती हूँ, मैंने तुम्हारी सारी वीडियोस लाइक नहीं की, तुम्हारी ये इसकी सारी वीडियोस लाइक नहीं हुई होंगी मेरे अपने फ्री स्पिरिट से। नहीं, सारे नहीं करते, वो भी नहीं करते सारे, मेरी बात सुनो तुम। हाँ, तो मैंने कल एक ऐसे, मैं ना एनालिटिक्स की ना वो क्या करते हैं, सारी चीजें खोलती रहती हूँ एनालिटिक्स की, कल मैंने गई हूँ एनालिटिक्स में, गई हूँ ऊपर, जब एंगेजमेंट में जाओ या ऊपर वाले किसी एक ऑप्शन में जाओ, उसमें जाओ ना, तो उसके उनके ऑप्शन के नीचे जब जाके उनको ओपन करो ना, देख नया पेज ओपन होता है, उसमें जब आप स्क्रॉल करके नीचे 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 जाओ ना, तो वहां पे ये तक लिखा हुआ है कि कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, उनमें से कितने लोगों ने आपकी ऑल नोटिफिकेशन ऑन की है, कितने लोगों ने आपकी सिर्फ नोटिफिकेशन ऑन की हुई है, और तुम सोचो कि उसमें से पता नहीं 20% मतलब नोटिफिकेशन ऑन किया, मतलब बेल का आइकन प्रेस किया हुआ ना, सारे कहते हैं हाँ हमने बेल आइकन प्रेस कर लिया आपका, उसमें से कोई भी नहीं करता, ठीक है, 20% लोगों ने किया हुआ है जो है वो सिर्फ नोटिफिकेशन का, और ऑल नोटिफिकेशन का जो है वो भी मेरे ख्याल से 30% लोगों ने वो किया होगा, ठीक है, तो हर चीज आपको उसके ऊपर नजर आ जाती है जो लोग आपके वो कर रहे होते हैं और नहीं कर रहे होते, तो वो हम मतलब जितने लोग हैं ये, अभी ये लोग तो बताते नहीं है ना, राजा तो बताते नहीं है कि कहाँ से आपको पता चलता है कि लोग आपको अनफॉलो करके जा रहे होंगे, तो किसी दिन देखना खोलते खोलते ना मेरा उधर भी हाथ लग जाएगा कि जहाँ से पता लग गया, और जिस दिन मुझे पता चला जिस दिन मुझे ये पता लगा कि किस बंदे ने अनफॉलो किया, उस बंदे को मैं अनफॉलो करके, और उस दिन हाँ 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 नहीं, वही कहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चले ना कि ये सब्सक्राइबर जो आपको छोड़ के जाते हैं ये कहाँ से, फिर तुम देखो मैं करती क्या, बस एक दफा ये पता चले से। मेरी बहुत कम, तुम्हारी ये 200 ग्रुप की वजह से क्रॉस की है ना, तुमने अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ये एनालिटिक्स में से खोल के तुमने जाकर देखा कि इसके इनसाइड व्यूज कितने हैं। हाँ, तुम कंप्यूटर उसको खोल के देखो ना, फिर पता चलेगा कि कितने इसके व्यूज है। बाबर हंस रहे हैं यार, सच्ची में ना, मतलब मैं सारे मुझे एक चीज का ना अभी तक उसने राजा से भी पूछा था, और उन्होंने मुझे जवाब दिया ना, वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं था कि उस दिन। अच्छा बाबर, अगर आप सुन रहे हैं ना, तो मुझे इसका जरा जवाब चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है तो।
जैसे उसने मेरी वीडियो है ये वाली, जो क्या नाम है, पॉडियो ये वाली वीडियो है, ठीक है। इसमें ना जब मैंने खोल के देखा ना तो 200 क्रॉस करके मिले। जब मैंने एनालिटिक्स में जाके डेली में कंटेंट में, ठीक है, तो कंटेंट में जब मैंने जाके ये वीडियो देखी, वीडियो ओपन की, वीडियो का एनालिटिक्स खोले तो वीडियो 200 क्रॉस की हुई है, ठीक है। जब मैं बाहर आई तो वही हुआ जो मेरी बैनर वाली वीडियो के साथ हुआ था, कि ये 100 से 150 नजर आ रहे हैं मुझे। बाहर के व्यूज 150 है, अंदर के व्यूज जो है वो 200+ है। राजा ने बोला कि काफी लोग हैं जो आपको खोल के देखते हैं लेकिन वो आपको बंद कर देते हैं जल्दी, ठीक है। वो पूरी वीडियो नहीं देखते। नंबर वन, वीडियो 49 सेकेंड्स की है, जितनी देर में आप खोल के वो करते हो आधे से ज्यादा तो प्ले हो जाती है, ठीक है। अच्छा, 49 सेकेंड्स है, उस पर 200 भी किसी बंदे ने लिखा होगा तो 2-3 घंटे ही आया होगा। वो वॉच टाइम का मसला नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे थे जैसे कोई बंदा आपको खोल के देखता है तो आपको व्यू आ जाता है लेकिन आपको उसका वो काउंट नहीं होता, ठीक है। तो मैं कह रही थी अगर ऐसे हो तो बाहर नजर आए ना व्यू बड़े बड़े, अंदर उसका अंदर वाले ना बड़े और ना ही अंदर वाला वॉच टाइम बड़े। लेकिन अंदर वाला वॉच टाइम बड़ा हुआ और अंदर वाले व्यूज बड़े हुए लेकिन बाहर वाले व्यूज नहीं बड़े। कल के दिन ये देखो मुझे नाखून मारा है, ये देखो ये देखो, मुझे इतनी मिर्ची लगी है इसके, इस कदर से नाखून मारा। वो तुम्हें पता है जफर कुत्ते बनाओगे, पता नहीं। पिछले 2 दिन काफी, 1 हफ्ता हो गया था जिसमें मैं दर्द है, बुखार है, ये आगे पीछे, तो घड़ी घड़ी घड़ी। तो इस हफ्ते ना टेस्ट करवाया था, वो सारी बात है, वो पिछला हफ्ता तो निकल गया बुखार वुखार तो उतर गया सारा कुछ, तो वो जो है अब परेशान, उसने कहा कि मैं चली जाती हूँ, तो उसने कहा कोई जरूरत नहीं आने की, तो मैं यहाँ खुद कर लूंगा सारा कुछ अरेंज, तो तुम रुको वहीं पे। तो अब जो है वो काल पता चला, जब तो ऊपर से अमरीन की तबीयत भी खराब, उसका जाके कोरोना करवाया, उन्होंने कहा जाके तुम भी कराओ, ठीक है। खैर उसका तो नेगेटिव आया, नहीं उसका नेगेटिव आया, उसकी खैर खांसी शांसी हो रही है। तुम सोचो कल के और आज तक तो विटामिन सी के फक्के मारी जा रहे, सारे सारों का वो खराब है, तबीयत खराब हो रही है, ये हो रही। तुम देखो घर में आरती का पैनाडोल पड़ी हुई, सब इन दो दो पैनाडोल, आज पिद्दी को भी पैनाडोल खिला दी, अम्मी को भी पैनाडोल खिला दी, दो मैंने खुद खाई, दो अम्मी को खिला दी, सारे सुबह से कैबों पे पड़े हुए हैं। थोड़ा सारा पता चला अमरीन का कि नहीं उसको नहीं होगी, तो सारों को थोड़ा बहुत हौसला हुआ है कि अम्मी को भी थोड़ा हुआ। मैंने अम्मी को बोला मैं आप टेंशन नहीं ना, आपकी इम्यूनिटी और कम होगी और होगा, और हमारे भी वो सारा कुछ बंद कर रहे हैं एक टाइम। और अगर ये वाला हो गया ना, मेरी बात सुन, अगर ये हो गया ना है तो फिर मैं किसी दिन ना एक दिन तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूंगी, हिना को बुलाना तुम्हें। कुत्ता अगले हफ्ते किसी दिन ना, ये मेरे पता चले ना, क्योंकि मंडे से स्टार्ट होगा, कब जाना है ना, जाना खैरियत वो उसको। हाँ, कैसी मतलब क्यों, हाँ वो क्यों, अच्छा
मुझे भी लग रहा है। ज्यादा फ्री स्पिरिट आ गई थी बाबा नाइन बाइटिंग ज्यादा वेलकम ज्यादा हेल्दी कह रहे थे होमवर्क की कॉल कह रहे हैं अम्बर्स लाइफ ने हमें ज्वाइन किया है। अम्बर्स लाइफ ने हमें ज्वाइन किया। अम्बर्स लाइफ थैंक यू सो वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आप मुझे सुन लिया तो प्लीज़ कुछ लिखें ताकि आपको भी मैं नई अपडेट कर पाऊँ। मैं पता क्या सोच रही थी, अगर 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 ना मैं तुम्हारी तरफ आई हूँ है, अगर ये हो गया जो जो वो एक दिन करने और एक दिन ना करने का कह रहे हैं, तो मैं वो तो जो काम करना होगा तो मैं तो बैठ के कर लूंगी, उसका तो मसला नहीं है। तो मैं कह रही थी कि अगर ना ये लिखूँ क्यों कैन यू हेयर मी। हाँ जी हाँ। मेरे पास ना वही वही वाली चीज है ना कि वो आए आए और साथ ही निकल जाए ना, तो वो फिर वो प्लस माइनस माइनस करते थे, फिर वो उसको जीरो करते थे, कुछ भी नहीं हो रहा होता। अच्छा अनु, मजे की चीज एक नई आई है। हाँ और न्यू नहीं आ रही। अच्छा अनु, नई चीज पता चली है वो ये कि यूट्यूब ने जो है वो टैक्स लगाना शुरू कर दिया यूएस से बाहर जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो एडसेंस से अगर आपका अकाउंट अफिलिएटेड है, आपने तुमने अपना एडसेंस के साथ अकाउंट बनाया हुआ है ना, तो तुम देखना तुम्हें ईमेल आई होगी और उसके उन्होंने टैक्स की आपसे डिटेल्स मांगी है। अगर तो वो यूएस के जितने सब्सक्राइबर है ना आपके पास, जो यूएस से आपको की वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नहीं 31 मई तक, कल मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी डिटेल के साथ। बाकी ये है कि अगर आप
करते नए तक नहीं ना अपडेट करते अपनी टैक्स डिटेल और सारा कुछ, तो ये करेंगे वो कि आपका 24% से, खैर अभी तो आपका मोनो हुआ ही नहीं है, तो 24 से ज्यादा 24% तक वो आपका टैक्स काट लेंगे पूरे उसके ऊपर। सो अगर आपने एडसेंस के साथ अभी जो है ना अपना अकाउंट बनाया ना एडसेंस पे, तो जाके अपनी देख लें अगर आपको कुछ वो पता मिला हुआ या नहीं मिला हुआ। सलाम महा, और थैंक यू सो वेरी मच किचन वेरीफाइड में ज्वाइन करने के लिए। लाइक को लाइक जरूर कर दें किचन वेरीफाइड, और हमारे साथ जुड़ने का बहुत 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 शुक्रिया। और हाँ जी, क्या हो गया जहा को? डीडी आई हुई है, लाइक कर दिया है। ओके थैंक यू सो वेरी मच किचन वेरीफाइड। किचन वेरीफाइड आपको पता चला है कि न्यू एक अपडेट आई है कि जो है वो मिला कुछ है ही नहीं टैक्स पहले। हाँ जी माँ, मेरी वीडियो वॉच नहीं की जी बिल्कुल। किचन वेरीफाइड एक दो दिन से ना मैं बिल्कुल इनएक्टिव हूँ, आपने देखा होगा मैं सिर्फ लाइव ही कर रही हूँ, मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल रही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं ना वापस जैसे पहले से एक्टिव थी ना, मैं वैसे ही एक्टिव दोबारा हो जाऊंगी इंशाल्लाह। आपकी वीडियो जो है ना वो वॉच किया करूँगी, और LTR भी दिया करूँगी, सारा कुछ किया करूँगी। पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ भी नहीं, पिछले 3-4 दिन से ना मेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा खराब हुआ था। कल की मेरी एक लाइव हुई और एक आज की लाइव, उससे पहले की जो मेरी लाइव जाकर देखे ना, तो वो जस्ट ऑन किया और साथ ही उड़ गया वो यूट्यूब ने 1.5 1.5 घंटे बाद ना खुद ही लाइव बंद की। ठीक है, तो किचन वेरीफाइड आपको पता चला नई एक जो है ना वो अपडेट आई है कि अब टैक्स भी कटेगा जो हमें इनकम मिलेगी उसमें से। तो खैर अब मैं पता नहीं किचन वेरीफाइड आपका चैनल मोनो है या नहीं है, और अंबर कह रही है मिला कुछ है नहीं टैक्स पहले, मारो मुझे मारो जी बिल्कुल। उन्होंने कुछ वो है कुछ रूल एंड रेगुलेशंस का बताया कि ये हैं जो US के लॉज हैं, जो आप US से आपके व्यूवर्स आएंगे ना, जो US के आपके आपको लोग देखेंगे उनके ऊपर वो आपका अप्लाई होगा, और उनके ऊपर वो अगर आपकी उनके साथ आपके मुल्क का अमेरिका के साथ कोई अच्छा वो हुआ है मुआहदा, तो शायद 15% काटते हैं आपकी टोटल इनकम, मतलब जो US की टोटल इनकम है उसका 15% काटते हैं। ठीक है, और अगर आपके मुल्क का मुआहदा नहीं है US के साथ तो शायद 30% तक आपका टैक्स कटे। ठीक है, और अगर आप अपनी डिटेल्स नहीं देते ना मई तक, मई के आखिर तक अगर आप अपनी डिटेल्स नहीं देते टैक्स डिटेल्स, तो वो आपकी टोटल इनकम का 24 मोनो नहीं, अभी तो सब पूरे नहीं हुए। चलो सब्जी पूरे नहीं हुए, ठीक है किचन आप भी हमारी तरह जो है ना अभी क्या कहते हैं ना शुरू शुरू के उसमें, हमें भी बहुत शुरू शुरू के उसमें। और मेरे तो खैर पिछले 4-5 दिन से जो मैं लाइव कर रही थी ना उनसे मेरे थोड़ा बहुत वॉच टाइम आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो मैंने वो की नहीं क्या कहते हैं लाइव, तो उस वजह से मेरा वो भी नहीं आया, वॉच टाइम भी नहीं आया। तो पिछले कुछ दिनों से तो मैं बिल्कुल ही डेड जा रही थी, तो ये है कि चलो अब मेरा इंटरनेट थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है, तो ये मैंने लाइव करनी शुरू किया। मसा 1 मेरा घंटा पूरा हुआ लाइव का, तो बस दुआ करें कि मेरा जो है थोड़ा 4 डिजिट्स में मैं भी नाम लिखवाऊंगा अपना और थोड़ा एक्सेल करूं, तो फिर जो है वो हाँ मैं अभी ठहर के ना ये जरा काम का थोड़ा रश काम हो जाने, तो फिर उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करती हूँ। तो ये है कि आप जो है ना वो एक दूसरे के साथ रहे। अभी बहुत सारे लोगों का मैं सुन रही हूँ किचन वेरीफाइड और अंबर के, मैं सुन रही हूँ कि उन लोगों ने जो है वो अपने चैनल मोनो किए सारा कुछ हुआ, तो उनको पेमेंट आ ही नहीं रही इसलिए क्योंकि उनके पास व्यूवर्स ही नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आपके पास व्यूवर्स हों,
आपको व्यूज आ रहे हो, न्यू लोग आपको देख रहे हो, तो फिर ही ये पांडे कौन पढ़ेगा भाई, तो फिर ही आपका जो है ना वो चैनल का कुछ मोनोराइज का होगा। हेलो डियर फ्री स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच। आयशा सनात ने हमें ज्वाइन किया। आयशा असलाम, वालेकुम सलाम आयशा, कैसे हैं आप, कैसे हैं सब? जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बंजोर डियर कह रहे हैं फ्री स्पिरिट, जी बिल्कुल थैंक यू सो वेरी मच। मेरे सब्स पूरे नहीं होंगे डियर, बस अपना करवा करवा लेते हैं। यकीन मेरे पर मैं यही चीज कह रही थी कि यहाँ पे लोग जो है ना वो ये भी वही कह रहे हैं कि वो अपने अपने पूरे करते हैं, वो दूसरों को कहते हैं कि हम अभी मैं वही कह रही थी कि मैं जैसे ही एनालिटिक्स खोल के रोज ना अपने चेक करती रहती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने एनालिटिक्स खोल के चेक किया, तो उसमें ना मैं अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको एग्जैक्ट खोल के भी बता दूंगी कि कहाँ पे वो होता है। तो मैंने उसको खोल के चेक किया और उसमें ऐसे पता चला मुझे, जैसे सारे लोग बोलते हैं कि आपने ज्वाइन, हमने आपको ज्वाइन कर दिया, हमने बेल आइकन जो है वो भी आपका प्रेस कर दिया और ये वो। तो जब मैंने जाके खोल के देखा तो उसमें आपको ये भी नोटिफिकेशन, मतलब वो उसमें आता है कि जितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ उनमें से कितने लोगों ने आपका ऑल नोटिफिकेशन का बटन जो है वो प्रेस किया है और कितने लोगों ने आपका जो है सिर्फ नोटिफिकेशन ओपन किए हैं और ऑल नोटिफिकेशन ओपन नहीं किए हुए, ठीक है। तो यहाँ तक क्वालिटी आपको बता रहा है, तो स्टिल लोग जो है वो आपके साथ दो नंबरी करने की कोशिश करते हैं। वो ये करते हैं कि जी आपसे वो सारा कुछ करवा लेते हैं और आपकी जब बारी आती है कि आप को उन्होंने करना होता है तो वो आपको दो नंबरी और चक्कर देके ना इधर उधर निकल जाते हैं। तो बस अल्लाह हदायत दे, ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं। मैं वही अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी किचन कि मुझे जिस दिन पता चलेगा ना कि कहाँ से पता चलता है कि जो लोग आपको छोड़ के गए और उन्होंने आपको अनफॉलो कर दिया, तो उस दिन तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी और मैं सबको बताऊंगी कि कहाँ से होता है और हम सब मिलकर उनको रिपोर्ट करेंगे। मैंने अभी चेक किया है, तुम तो हो, बाकी कोई नहीं है। ओके जी आयशा अज़नात, अगर आपने किचन वेरीफाइड को फ्रेंड नहीं बनाया तो आप भी बना लें। बंजूर वाइटी, आप किचन वेरीफाइड आप बंजूर वाइटी को जो है वो फ्रेंड बना लें। एल टी आर छोड़ दो, मेरी बड़ी सिस्टर है तो इनसे ना मैं आपको खुद ले दूंगी, ये तो मतलब मेरी गारंटी है पक्की पक्की। इनको तो मतलब जो है ना, मतलब मैं इनसे खुद करवा दूँ, मेरा कितना टाइम गया हुआ है यार सच्ची में। किचन पिछले 4-5 दिन से आप जाके मेरा चैनल देखा, मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि मेरे पिछले ऐसे हुआ था कि एक तो है इंटरनेट का जो मसला था तो वो तो था ही था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि मेरे एक दिन में 11 से 12 लोग मुझे छोड़ के गए, ठीक है। तो मैं इतने डिसहार्ट थी ना वो दिन, नाराज कर दिन में भी शायद मैं जाकर दोस्त बना लेती, बल्कि मीनिंग के भी मैं लाइव में दिल्ली में बैठी हुई थी, उनको मतलब कि उनको बहुत टाइम चाहिए फोर्स में वो दे रही थी, लेकिन मैंने वहां जाकर शायद ही एक दो बंदों को दोस्त बनाए। अब दिल मर गया ना उस चीज से कि आप इतना टाइम लगाते हो, इतने लोगों को दोस्त बनाते हो, इतना कुछ करते हो हैं और लोग क्या करते हैं आपके साथ, आप कहते हैं हाँ हाँ हम आपको दोस्त बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लॉन्ड रखा इतनी भक्ति करेंगे ना, इतना आपको चढ़ाएंगे और उसके बाद क्या करते हैं साथ ही आपको छोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ वो टाइम जाया करने का, उस टाइम में अगर मैं वही टाइम लगा के अपनी वीडियो के ऊपर काम कर लेती, अपने वीडियो का काम कर लेती तो वो ज्यादा देर तो नहीं था। तो जब मेरी फाइड आप ना ये है कि आप मेरे साथ उस पर है ना क्या कहते हैं इंस्टा पे, अगर आप नहीं है ना तो मुझे बताया मैं आपको इंस्टा पे ऐड कर लूँ, और मैं कोशिश कर, मैं ना कोई एक एक ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जो ये YT पे ना जो एक दूसरे को सब्सक्राइब भी करेंगे और एक दूसरे को वॉच टाइम भी देंगे, वो वाला है ना कि आप सर्च करके एक दूसरे को देंगे जी, वो अगर वो ढंग से स्टार्ट हुआ ना और उसमें ढंग से काम हुआ और मैं उसमें खुद भी रही अगर उस चैनल में, तो मैं आपको अगर आपको भी चैनल उस ग्रुप में ऐड होना है ना तो मुझे जरूर बताइएगा, फिर मैं भी ना आपको उस ग्रुप में ना ऐड करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले मैं ना खुद देखूंगी, अगर उसमें ढंग से काम हो रहा है ना तो फिर मैं आपको उसमें ऐड करवाऊंगी, अगर उसमें काम जाए मेरे साथ में तो दर्द रह गया कोई किसी मेरे पास इसको आप ये ना आप अपने वीडियो पे काम करें, ठीक है। और इंशाल्लाह ना मैं देखती हूँ, आपको भी कह रही हूँ मुझे बता देंगे आपको को प्रॉब्लम तो नहीं है कि इस ग्रुप में ऐड होने में व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं तो मैं इसमें ऐड तो हूँ,
लेकिन अभी ना वो काम उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। जिस दिन उन्होंने सही तरह काम स्टार्ट किया ना, और मुझे लगा कि सही तरीके से काम कर रहे हैं, इस काम का मतलब कुछ मिलेगा कि तुम तो मेरा इंस्टा पे ज्वाइन करो। अच्छा मुझे बताएं आपका इंस्टा क्या है, कि वेरीफाइड में आती हूँ आपके इंस्टा पे। तो फिर ना उसमें ये है कि मैं जो हूँ वो आपको ना, फिर उसके बाद मैं अगर देखूंगी अगर वहां पे अच्छे तरीके से काम हो रहा होगा, आप अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, फिर मैं आपको उसमें ऐड कर लूंगी, अदरवाइज फिर मैं आपको उसमें ऐड नहीं करूंगी। तो उसमें असल में होता ये है कि ये ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है, एडम जो है ना वो सारे लोगों को कहते हैं हमें दोस्त बना लो, हमें दोस्त बना लो, हमारी वीडियो वॉच कर लो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, ठीक है। और उसके बाद उसमें 10 दिनों बाद सारा कुछ उनका पूरा हो जाता है, बाकी सारे जो है ना वो अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। तो इसलिए ना मैं ट्राई करना चाह रही हूँ कि कोई मैंने ग्रुप ज्वाइन तो कर लिया किसी के कहने से, ठीक है, लेकिन अगर उसमें सही तरह से काम हो रहा होगा ना, और उस सही तरह सबकी सपोर्ट हो रही होगी, इसी नाम से किचन वेरीफाई करना चाहिए। ओके किचन डॉट वेरीफाइड, किचन वेरीफाइड, किचन अंडरस्कोर वेरीफाइड, किचन डॉट वेरीफाइड के नाम से है या किचन वेरीफाइड के नाम से है? मुझे, मेरे पास दो आ रहे हैं, एक के अंदर कोई रंग बिरंगी सी डीपी और एक ही ब्लैक एंड व्हाइट है। मुझे बता दें, मुझे रंग बिरंगी सी डीपी है वो आपकी है तो फिर मैं देखूँ। आधा जिसमें बर्गर लगा हुआ है। अच्छा तो मैं जरा चैनल सही इसी नाम से है, सही वॉच करना नहीं चाहिए ब्लर वाले फ्रेंड्स। हाँ जी वही वाली चीज है ना कि फायदा ही नहीं है, लोगों का इतना वो करो, सारा कुछ करो, और मैंने आपको फॉलो कर लिया कि जो मेरे कार्ड मुझे ना आप वापस वो कर दी किचन। माशाल्लाह आपके तो फ्रेंड्स हैं, आप ये हाँ ये वाली किचन मेरी फ्रेंड हो सब्सक्राइब है ठीक। बर्गर पैटी ओह कितने मजे की लग रही है ना बर्गर पैटी। चाहे मैंने आपको कर लिया फ्रूट्स वाली, हाँ जी हाँ जी मुझे मिल गई है, मैं आपको मैसेज भी कर दिया मैंने आपको, तो मुझे बता दीजिएगा। और वो वाली आई वो भी वाली चीज है कि क्या फिर ना लोग सारे जो है ना वो यही ओके मैं देख लेती हूँ। बंजोर बाइटी कह रही है वाइटी किचन वेरीफाइड आपके पास जा रही हूँ। ओके जी बंजोर बाइटी, थैंक यू सर सो वेरी मच, किचन वेरीफाइड को आप बाजी करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये ना कल आपको इसी टाइम पे ना वापस दोस्त बना देंगे। ओके जी सही है, ग्रेट, यू आर, थैंक यू। मेरा भी इसी फैसल, फैसल बहुत दिनों बाद आए, वो क्या कहते हैं पुराने दोस्त जो है ना वो ईद का चांद हो गया और मेहनत ही करवा के आते हैं। सैयद जो है खैर उनकी तो तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने इस चक्कर में आना बंद कर दिया। फैसल जो है उनकी अपनी मसरूफियात हो गई थी तो उन्होंने भी इसमें आना बंद कर दिया। तो बस फिर इस वजह से मैंने भी दोस्तों को जो है ना वो मैंने कहा चले जब उनको वक्त मिलेगा तो वो आ जाएंगे, और माशाल्लाह आ भी गए। और सो हाउ आर यू एवरीवन, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और लाइक एंड थैंक यू सो वेरी मच, स्पेशल आप लोगों की ये अच्छी चीज है कि मैं भूल भी जाऊँ ना कहना कि लाइक करते हैं ये करते हैं वो करते हैं, आपको ना पहले से ही आप लोग खुद ही कर देते हो सारे।
तो थैंक यू सो वेरी मच लाइक सेट करने के लिए सारा कुछ। अच्छा बताएं आप तबीयत ठीक ठाक थी, क्या हुआ था कितने दिनों से, कहाँ गायब थे? मुझे तो लगा कि सारे जो है ना उन्होंने मुझे माँ सुनती है, हाँ जी अल्लाह ने कान दिया जरूर सुनती है। मुझे लगा कि सारे के सारे लोग जो है ना कहाँ गुम हो, गुम हो है, गुम किधर हूँ भाई। म्यूट भी नहीं किया, मुझे लगा है ना म्यूट किया हुआ, लोगों को आवाज नहीं जा रही, मैंने देखा है तो म्यूट भी नहीं था, तो यहीं पे हूँ गुम। तो आप लोग हो गए ना, कहाँ गुम हो, हाँ जी बिल्कुल मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं गुम नहीं हूँ। तो आप बताएं आप कहाँ गुम थे, आप इतनी जगह पे कहाँ हाइड हुए थे? मुझे तो लगा कि आप लोगों ने जो है वो मुझे अनफ्रेंड करके तो बुरा करती है, आप ही करती है। बाकी कहाँ है फैसल भाई, ये कौन नाम मेरा फैसल? आप प्लीज किचन वेरीफाइड को जो है ना वो ज्वाइन कर लें, किचन वेरीफाइड इंशाल्लाह कल आपको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वैसे किचन वेरीफाइड आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप खुद लोगों को फ्रेंड बनाए, इंशाल्लाह जो है ना तो आपको दोस्त वापस मिल ही जाएंगे। और किचन वेरीफाइड सब्जी वाली तस्वीर है ना, हाँ जी बाजी, तो सब्जी वाली तस्वीर उसके ऊपर लिखा हुआ है किचन वेरीफाइड। और ये सेकंड वीडियो मुझे फैसल भाई के चैनल किस का है, फैसल भाई के चैनल किसका है, फैसल का भी ऐसे रैंडमली यहाँ से ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उसका चैनल है इनका। और तो ये है कि ओके बॉन्जोर जी बिल्कुल किचन वेरीफाइड आप यही वाली चीज है। आप एक तो ये करें कि आप जितनी वायरल वाली चीजें होती है ना उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, ठीक है? तो जितनी वायरल वाली चीजों पे आप वीडियो बनाएंगे ना आपको उतना ही ज्यादा जो है वो लोग ज्वाइन करेंगे। वहाँ बाकी की तरह आए वहाँ फ्रेंड जी बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच किचन वेरीफाइड आने के लिए आपके यहाँ पे। और आई होप सो आप आते जाते रहेंगे तो यहाँ आपको फ्रेंड मिलते रहेंगे, यहाँ की जो फ्रेंड है ना वो आते जाते रहते हैं यहीं पे। और ऑनेस्ट वाले फ्रेंड ऐसे नहीं होता कि एक दिन किया या 2 दिन किया और उसके बाद चले गए, वो इंशाल्लाह यहीं पे रहते हैं। बोन जो दिया मैं आपको धोखों से तंग आ गई हूँ, मैं तो धोखों से तंग आ गई हूँ। अब पता है क्या, किचन वेरीफाइड मेन चीज ये होती है कि जब एक बंदा ये बोल रहा होता है ना कि आप मेरी तरफ आए, आप मेरी तरफ आए, आप मेरी तरफ आए, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, तो उसके बाद ये होता है कि आपका ना एक रॉन्ग इम्प्रेशन जाना शुरू हो जाता है। ये खुद तो जाते हैं और सबको ये बोलते हैं कि हमारी तरफ आओ, तो उससे ये होता है कि वो लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि लोग जो है ना वो आपको वो फेक समझना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश क्या करें, कभी कभी ना आप खुद भी जो है वो लोगों को ज्वाइन करें ताकि आपका इस तरह का कोई खुदा ना खासा इमेज ना जाए आप। और पांडा नहीं आया जी, बिल्कुल पांडा भी नहीं आया, सैयद थोड़ी देर पहले आए थे लेकिन सैयद की तबीयत ठीक, वो भी चले गए। बोनजोर बाइटी करें, यू आर वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच जी हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। बाजी आज इंशाल्लाह ना कल कल या परसों ना मैं आपको 2 3 उनसे ना, एक बंदे को मैंने बोला था आपको दोस्त दोस्त बनाने के लिए, तो आई होप तो आपको आपको आज कल मैं जो दोस्त है वो मिल जाएंगे। तो डियर टू फूड का चैनल है बारे में क्या डालो, डियर टू फूड का देखिए जैसे आप
आपका फूड का चैनल है ना, तो फूड अभी जैसे मटर आए हैं, तो मटरों वाली चीजें बहुत चली रही है। तो जैसे जिस मौसम की कोई सब्जी होती है या जिस मौसम की कोई चीज आई होती है, जैसे सब्जियां मौसम की होती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप वीडियो डालें उस सब्जी के हिसाब से। जैसे अभी गाजर का हलवा की आएगी, तो आप गाजर का हलवे में कोई वेरिएशन करके आप उसके अंदर कोई नई चीज डाल के ना उसकी वीडियो बनाए, तो आपकी वो वीडियो बहुत चलेगी। आप यकीन मानिए कि लोग सारे जो हैं वो अभी गाजर के हलवे बना रहे हैं, ठीक है, सारे लोग जो हैं वो मटरों की चीजें बना रहे हैं। वहाँ आपको आपका कौवा उड़ा या नहीं, कौन सा कौवा है, खेड़ा कौवा उड़ा? मुझे बिल्कुल नहीं याद रहा फैसल, कौन से वाला कौवा। और आजकल क्या हो बना रही हो? मैं तो आजकल मूवी बना रही हूँ फैसल। काफी दिन से ना मेरा अपना इंटरनेट काफी खराब था, 1 ईयर हो गया है मुझे। किचन में साइड मिमी जो है उनको भी 1 साल हो गया है, तो सिस्टर जो है उनको 1 साल हो गया है, ये बॉलीवुड वाइटी आई, इनका भी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। किसी का भी वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ। बस आप ये मत कीजिएगा कि दिल छोड़ देंगे अपना काम जो है वो ना करें। आपका 1 साल हुआ, आपका 2 साल हो जाएगा। बहुत मैं जब ये इनको देखती हूँ ना बड़े चैनल्स को, तो इनके तीन तीन चार चार साल 5 5 साल पुराने चैनल हैं, ठीक है, और इन ये अभी उनके अभी चैनल जो है वो ठीक है। सो उनके चैनल अभी जो हैं वो मोनो हुए हैं, और उनके चैनल अभी लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको दो दो तीन तीन चार चार सालों बाद रिकॉग्निशन मिलती है। तो इतनी जल्दी दिल मत छोटा करें, काम करते रहें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा आपके लिए। पिक्चर वाला सच्ची में ना फैसल मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया। शायद ना काफी दिनों बाद आप आए हैं और आप काफी दिनों पुरानी वाली बात करें, मुझे तो ये भी नहीं याद रहता कि मैंने सुबह क्या खाया था। फैसल मैं आपके चैनल पर आऊंगी किचन वेरीफाइड करने। थैंक यू सो वेरी मच किचन वेरीफाइड जाने के लिए, आपके वहाँ पे किचन वेरीफाइड करने सही। और थैंक यू किचन फैसल कहने, फैसल ये बहुत पुराने दोस्तों में से है, और ये भी पक्का पक्का जो है ना वो वापस दोस्त जरूर बनाते हैं। देखते चलते हैं हम कि किचन वेरीफाइड और किचन वेरीफाइड को हो गया मैसेज। जरा मैं अपने इंस्टा को ही देख लूं। बस यार आजकल जो है ना वो हर साल ओके किचन वेरीफाई आई एम नहीं। हाँ ओके जी, ठीक है, आप फॉलो बैक कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह जो है जैसे ही इस ग्रुप में कोई काम होगा ना, ढंग का काम होगा, ठीक है, मैं पहले खुद देखूंगा अगर उसमें सही तरह से काम हो रहा हो और सही वो चैनल चल रहा हो ना, मैं आपको जरूर उसमें ऐड करूंगी। क्योंकि ऑनेस्ट काम करने वाले लोग चाहिए, और उसमें ये है कि आपका आपके साथ भी लोग ऑनेस्टली काम करेंगे, और आप के साथ ऑनेस्टली काम करेंगे ना तो बहुत अच्छे से चलेगा चैनल। वहां पर डिनर में क्या खाया? डिनर में कुछ भी नहीं खाया सही। तभी मैं बता रही थी उनको भी कि मैं सही है फिर फैसल, कि मैं कुरकुरे खाए और कहवा पिया नहीं और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो किचन में डिसाइड के लिए इंशाल्लाह वेलकम जी। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह जो है ना जो है चीजें ये चलती रहेंगी साथ साथ ना। आप अपना दिल नहीं छोटा करें, बस ये है कि मेरी तरह ये वाला काम मत कीजिएगा। मैंने पिछले 6 7 दिनों से ना कोई वीडियो नहीं डाली। आप ये वाला काम मत कीजिएगा कि आप किसी भी चीज के चक्कर में ना वीडियो डालना छोड़ दें। वीडियो जरूर डालते रहिएगा, वीडियो जो है ना वो तो मस्ट है, तो क्योंकि वीडियो के बगैर तो है ना बिल्कुल गुजारा नहीं, जरा सा भी गुजारा नहीं वीडियो के बगैर। वीडियो तो क्या कहते हैं ना, हर 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 हॉल में वीडियो जो है वो बहुत जरूरी है।
फैसल आप बताएं, आपने आज क्या किया अपने डिनर में, और किस क्या खाया क्या नहीं खाया, कौन सी नई चीज खाई और क्या किया? अच्छा फैसल, मैं जरा 1 मिनट में पानी पी के आ रही हूँ, आप जरा यहाँ पे पकड़ के रखिएगा, लोगों को जाने मत दीजिएगा, ठीक है? और कोई भी आया ना तो उसको ये कहिएगा, बल्कि आप और किचन वेरीफाइड आप दोनों के हवाले है, 5 मिनट के लिए मैं पानी पी के, और बताएं। चलिए फैसल, आप जल्दी से बताएं किचन वेरीफाइड को कि आपने किस तरीके से आपका चैनल को सर्च करें। वैसे फैसल का चैनल तो आ जाता है, आप फैसल TV 33 आई लिखे ना तो ईजीली आ जाता है फैसल का चैनल। ओके जी, मैं पानी पी के वापस भी आ गई, और ये कभी मैसेज नहीं बढ़ा वहां से। सो फैसल, आप यहीं पे हमारे साथ मौजूद हैं तो प्लीज मैसेज कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप यहीं पे हमारे साथ मौजूद हैं, और किचन वेरीफाइड अगर आप भी हमें सुन रही हैं तो प्लीज प्लीज मैसेज जरूर करें। वो क्या कहते हैं ना, हर तरफ से मुश्किल चीजें चल रही हैं, कोई किसी चीज का पता नहीं चल रहा क्या करना क्या नहीं करना, सारी तरफ की ओर सोचा कर रहा। वो क्या कहते हैं ना कि फ्रेंड्स जो है ना, वो आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलते नहीं है, कोशिश जरूर हम करते हैं कि अच्छी तरह से फ्रेंड्स मिले हमें, फ्रेंड्स जो है वो हमारा साथ दें, हमें फॉलो करें, हमारी वीडियोस पे आए, हम उनकी वीडियोस पे जाते हैं, मगर वही वाली बात है कि वो आते तो हैं मगर वो इतनी देर के लिए हमारे साथ स्टे नहीं करते। वो आते हैं थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है, तो फिर चले जाते हैं, और यही वाली वजह है कि काफी लोग जो हैं वो फिर इस तरह क्रश नहीं करते, और वो यही करते हैं कि आपको दोस्त बनाया कुछ दिनों के लिए और फिर जो है वो छोड़ छाड़ के इधर उधर निकल गए। तो वो ये मत किया करें आप जो है वो, अगर आपने दोस्त बनाया है तो
तो आप उनके साथ जुड़ा करें, आप उनके साथ रुका करें, आप उनके साथ रहा करें, क्योंकि यही सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप उनके साथ रुकेंगे नहीं, आप उनके साथ रहेंगे नहीं, तो फिर जो है वो भी आपके साथ नहीं रुकेंगे। LTR वापस शेयर नहीं होगा, एक दूसरे को भी नहीं जाएगा, तो टोटल जीरो है। कोई भी काम आपका होना जो है वो आपके लिए फायदा मंद नहीं होगा। सो स्टे होम, ओके जी, स्टे होम वाला आ गया है फैसल की तरफ से। तो अच्छा फैसल, मुझे बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे बात सुने कह रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, आपके किसी फ्रेंड का चैनल मोनो है या सैयद के अलावा, जिसका आपको पता होगा उसका चैनल मोनो है और उसको तो पेमेंट मिल रही है या कुछ भी ऐसा, तो मुझे जरूर बताएं। क्योंकि ना मुझे मतलब ना मुझे टेक्स्ट चाहिए, जो आज की ईमेल आई है ना सबको, उसका ना मुझे टेक्स्ट चाहिए। क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं ना उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वीडियो बनाने के लिए ना मुझे मेन चीज है ना वो टेक्स्ट चाहिए उसका। तो फैसला कुछ लिख नहीं रहे, फैसला आपने मुझे बताया नहीं कि आपने डिनर में आज क्या खाया, क्या किया, और आपका जो है वो सब कैसा चल रहा है। इतने दिनों से आप इधर गायब थे, किस वजह से गायब थे? मैंने तो फिर तंग करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने तो खैर पिछले काफ़ी दिन हो गए, मैंने सैयद को भी तंग नहीं किया, सैयद को भी मैंने कोई मैसेज नहीं किया था। मैं सोच रही थी सारे जो है वो अपनी लाइफ में बिजी है, तो मतलब मुझे ना ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि सबको मैसेज करूँ कि आप भी मेरी उस बयान लाइफ पे हैं, आप भी मेरी लाइफ पे हैं, आप भी मेरी लाइफ पे हैं, तो काफ़ी ऑकवर्ड सा लगना शुरू हो जाता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुद ही से जैसे भी लाइफ जैसे तैसे भी करके कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं जो हूँ वो ऐसे फजूल से कोई चीज़ करूँ या कुछ भी ऐसा वैसा हो। तो जस्ट लोगों को उनके हिस्से की प्राइवेसी देने की कोशिश करी थी, तो जैसे मैंने अभी कुछ नहीं खाया। अच्छा वो क्यों, अभी तक आपने क्यों कुछ खाया? आपको तो कुछ जरूर खाना चाहिए भाई, रात काफी हो चुकी है, यहाँ से 12:30 के बाद 50 हो चुके हैं, तो ये तो खाने पीने का टाइम क्या कहते हैं ना गुजर भी चुका है। तो आपने नहीं खाया तो आपको जरूर जाके खाना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम PFC फूड सीक्रेट, थैंक यू सो वेरी मच PFC फूड सीक्रेट हमें ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपने हमारी लाइफ को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीक एक आती है, मेरी वीडियो तो वीक में एक आती है। मैंने अभी कुछ नहीं खा, ओके जी,
आप ऐसे करें कि आप अपनी वीडियोस का दौरानिया बढ़ाएं, क्योंकि एक वीडियो हमारी वीडियोस वायरल नहीं है ना हमारे दोस्त ज्यादा है। अगर आप कितनी कम वीडियो आएंगे ना तो आपका लिटरली साल में कुछ भी नहीं बनेगा। आपको एक दिन छोड़ के वीडियो डालनी चाहिए बार बार में, चाहे मतलब आप अपने आप को ना एक्टिव रखेंगे ना तो ही आपको वापस दोस्त मिलेंगे और लोग इवन वैरायटी के एल्गोरिथम में भी आपकी वीडियो आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं होंगे ना तो आप उसके एल्गोरिथम में आएंगे भी नहीं और ना आपकी सजेस्टेड वीडियो में आपकी वीडियोज आएंगी। मेरी वीडियो तो वीक नहीं करती, आप कैसे हैं लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच पी एफ सी फूड सीक्रेट्स हमें ज्वाइन करने के लिए। और बाबा क्या नहीं आगे, हाय अल्लाह मैं जब कोई थोड़ी सी बात करती हूँ ना वाई टी के रूल्स की है तो ये एकदम सारी कहीं से रस्ता निकाल के नमदार हो जाता है। कसम से ना बाबर आप आहो तो फैसल लिखा तो बॉय की पिक है जी बिल्कुल। फैसल शायद उनके अपने को पिक्चर लगी हुई होगी तो आप उनको अगर चैनल आ रहा है ना तो आप उनको कह लो बाबर भाई बहुत खुश है आप भी बाबर भाई जो है ना बाबर को बाबर ने बाबर पंसारी के नाम से करे बाबर क्या है उसका नाम जो है बाबर पंसारी वीलॉग्स कर ले तो फिर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और किचन वेरीफाइड चले अब आप पी एफ सी के फूड सीक्रेट्स को सर्च कर लें तो शायद ये आपको मिल जाए, इनको दोस्त बना लें इंशाल्लाह। अगर ये आपके दोस्त नहीं है तो ये आपको जरूर 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 24 घंटे में वापस कर देंगे। और बाबर आप सुनाएं कि मैं चले गए थे और बाबर अगर आपने मेरी एलवी को लाइक नहीं किया ना तो आप जरा लाइक कर दें, मैं वीडियो लगाने गया था छोटी सी अभी बनाकर लगाई है। अरे वाह 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 बड़े बड़े यहाँ पर लोग वो भी जो है ना वो क्या कहते हैं 30 मार खान किस्म के मौजूद हैं जो थोड़ी देर के लिए जाते हैं और वीडियो बना के लगा भी देते हैं और हमारे जैसे जो है वो इंतजार ही करते करते रह जाते हैं। खुश रहना चाहिए हर हाल में, हाँ जी बिल्कुल खुश रहना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हंसना चाहिए कि हर बंदा आते जाते पट्टा मारे गए पागल ही पागल ही पागल ही। तो अच्छा बाबर आज ना मतलब राजा जो है उनकी तो शदीद उसको कमी जो है ना वो महसूस हो रही है। मेरे ख्याल से कल जो है ना हर हाल में वो लाइव करेंगे और मैं दिन में लाइव में आ नहीं सकती, मुझे इतना गुस्सा आता है ना खुद पे कि मैं दिन के टाइम लाइव में आ नहीं सकती, इतनी चीज़ें चल रही होती है ना तो मेरे साथ मसला हो रहा होता है कि जो है ना मतलब मैं लाइव में आ नहीं सक रही होती तो इतना बुरा लगता है ना मुझे सॉरी बोलना। मैं उनको वो कहेंगे तो बुला रही है तो ऊपर से इतनी नखरे कर लिटरली ना दिन के टाइम पे मेरा सैटरडे संडे के और मेरा दिन के टाइम में ऐसा कोई काम ना रहा था तो फिर मैं आ सकती हूँ सैटरडे संडे के। लेकिन वो भी ऐसे होते कभी मैं बाहर गई होती हूँ कभी इधर कभी उधर आगे पीछे काम में निकली होती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लाइक किया था कि ओके थैंक यू सो मच, मैं चाहूँगा सबसे पहले लाइक किया था तो इस बार फिर लाइक करें किसी और आई डी से आकर लाइक करें फ्री ये इमोजी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी एन तो वाला इमोजी आपको बहुत अच्छा लगता है जी, चलिए हम आपको एन गिफ्ट कर देंगे। तो भाई तो हर हम भेज नहीं सकते, आप ऐसे करें कि आपने जो गिफ्ट हमें देना था ना उसी गिफ्ट के पैसों के आप जाके एन के खरीद के खुद पहन के खुद को गिफ्ट कर लें। बाबर भाई आपके चैनल में क्या है, बाबर के चैनल में वीलॉग्स हैं इनकी डेली रूटीन ये क्या कर रहे होते हैं कहाँ कर रहे होते हैं कैसे देख रहे होते हैं तो उस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इनकी तो इनकी डेली की चीज़ों के ऊपर होते हैं तो आप जाके देख लेते हैं क्योंकि भी लॉग्स होते हैं मोस्टली कुछ खास नहीं है सिर्फ बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं जी बिल्कुल। वी लॉग्स है ना तो वो होता है क्या आपका मोनो है, क्यों आपका मोनो है क्या नहीं, इनके जो वेरीफाइड का भी मोनो नहीं है किचन वेरीफाइड का भी न्यू ही है अभी क्यों मतलब न्यू इस तरह से है कि काम काफ़ी कम किस्म का चल रहा है इनका काम। वैसे तो उनके चैनल को 1 साल हो चुका है बकोल इनकी और नहीं सिर्फ अभी मैं 2 मंथ्स भी हुए हैं वाई पी पर और दोनों आपके साथ जो है ना राजा के हत्थे चढ़ गए तो बस तब से बेइज्जत भी हो रही है और काम भी सीख रहे हैं और रहती है ना बस चल रहा है। मैं ऐसे इतना सोच के बोलती हूँ कि वो राजा का पता भी नहीं चलता कि वो लोग बैठे और सुन रहे होते हैं अच्छा 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 ये बातें हो रही ठीक 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 ये कह रहे हैं
ओके, हम आप देखते हैं क्या कह रहे हैं। आप कहाँ से हो ब्रो? चैनल की बताएं बाबर, आप कहाँ से हो बाबर? जल्दी से आप ये मत कह दीजिएगा कि मैं जो हूँ वो घर से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं बाहर से हूँ, मैं इधर से हूँ, तो मैं उधर से हूँ। पीएफसी फूड सीक्रेट्स ने मुझे जो है वो कमेंट किया है, तो पीएफसी सीक्रेट्स थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन अगर आप थोड़ी बड़ी किसी वीडियो के ऊपर कर देते ना कमेंट, तो दिल बाग बाग हो जाता है। अगर आपने इतनी छोटी वीडियो देख के मुझे दोस्त बनाया ना, तो आप दोस्त रहेंगे नहीं। आपकी दोस्ती मैं तो नहीं, वो मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई आप मुझे छोटी वीडियो देख के आए, लेकिन वाईटी जो है ना वो छोटी वीडियो भी बनाएगी दोस्ती को कबूल नहीं करता। वो कहते कि आप कम से कम 3 मिनट जो है ना वो जरूर देखे और उस पर आप चाहे दोस्त बने, तो आपको दोस्ती से उड़ा देगा। और आज मुझे पता चला कि ओके जी, ऑल एक्टिविटीज मीडिया नहीं है। सलाम से वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। ऑल एक्टिविटीज ज्वाइन करने के लिए मनो हो जाएगा आपका भी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपकी पौड़ी हो रही है। और कमेंट कर दिया जी बिल्कुल पी एफ सी, थैंक यू सो वेरी मच। और लेकिन आप अगर प्लीज किसी थोड़ी बड़ी वीडियो पर कमेंट करेंगे ना, तो हम दोनों दोस्त रहेंगे। छोटी वाली वीडियो के ना आजकल ये उड़ा देते हैं, और आजकल मैसेज आया है कल परसों वाइटी फैमिली को कि हम आपके जितने इस तरह के खिलाफ लव किस्म के जो दोस्त हैं उनको हम खुद ही उड़ा देंगे। बाबर प्लीज कम, ऑल एक्टिविटीज कह रही है। माशाल्लाह आप तो कोई से बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, किचन मेरी पर भी से बात कर रहे हैं। दोस्तों को पुराने हैं, दोस्तों पुराने हैं, ओके जी पी एफ सी फिर ठीक है, फिर को पसंद है भाई, जॉब करते हैं जी बिल्कुल जरूर करते होंगे और जरूर। ओके जी बाबर भाई प्लीज मेरे घर भी आ जाए जी। जॉब जी बाबर जॉब करते हैं वहाँ पे, पंसारी में ये नुस्खे बना के जो है ना लोगों को देते हैं, और उन नुस्खों में ये आप जो है नया नुस्खे ये बनाने की तरफ आ गए हैं। तो वाइटी में लोग कैसे जल्दी जल्दी मोनो सब वाला काम कर सकते हैं, इस चीज का जो है वो नुस्खा इन्होंने नया बनाना है। ऑल एक्टिविटीज में अगर आपने मेरी लाइफ को लाइव नहीं किया, तो प्लीज सबसे पहले लाइक करते। और पी एफ सी फूड सीक्रेट्स कह रहे हैं मैं भी दुबई से हूँ। चलो जी बाबा जल्दी से बताएं आप कहाँ से हैं और पी एफ सी आप कहाँ से हैं, ताकि पता चले कि जी दोनों एक दूसरे के कितने आस पास और कितने दूर दूर से हैं। हाय आस पास से वो गाना याद आ गया, इंडिया का इधर भी यहाँ भी वहाँ भी दोनों तरफ लगी है आप दोनों तरफ चुकी है प्यास हम दोनों के पास। चलो मैंने नसर में गाना गा दिया तो भाई कहाँ से हैं जी, चले कि आल में आती हूँ बट आप हाँ जी प्लीज आल वो आ तो जाएंगे, लेकिन आपने प्लीज 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 उनको वापस जरूर करना है, और 3 मिनट का LTR दे के करना है। पता है कुछ बुरे लोग होते हैं जो धोखा देते हैं, जिसकी वजह से अच्छे लोग ही बदनाम हो जाते हैं, और फिर जो है ना वो ये लोग जो है वो दूसरों को वापस नहीं करते और दूसरों को वाइटी नहीं देते, तो WT नहीं देते। तो इसकी आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप इनको जो है वो जरूर 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 वापस दोस्त बनाए। जी आई पर दुबई है, गई पर दुबई, अच्छा बाहर दुबई, बाहर दुबई बोल रहे हैं आप पी एफ सी अगर फैसल, ऐसा आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, कैसा वेदर है यहाँ? तो बारिश वेरीफाइड आप साइड पे कैसा नजर है मौसम? क्योंकि मेरे ख्याल आप इंडिया से है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है आपने बताया था कि आप इंडिया से हैं। बार दुबई, ओके बार दुबई, उसे इसको ओह माय गॉड, पार दुबई भी बोलते हैं, बार दुबई। वालेकुम सलाम, एक डेरा है बार दुबई है, और मैं उद मिता नियर हेल्थ केयर सिटी। मुझे क्लॉक टावर का पता, क्लॉक टावर से कितना पास या दूर रहते बाबर आप ये बताएं। ओके जी फैसल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वॉइस सही आ रही है क्या? हाँ जी अल्लाह का यार शुक्र, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज ठीक ठाक आ रही है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमारे साथ हैं, ऑल तो आप इतने दिनों एक्टिविटीज से विद मी। मैं इतने दिन से कहाँ था? हाँ माँ जी किधर गायब शायद थे? हाँ
आप जल्दी किया करें फिर। एक तो ये जो इंटरनेट, अच्छा, मतलब मेरी लाइव लेट होती, बस सब लोगों को मुझसे यही शिकवा है। वैसे मैं कोशिश करूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ना, जब भी मुझे टाइम मिले ना, तो मैं दिन के टाइम पे जी जो है ना जी वो लाइव कर लिया करूँ। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं जरूर कोशिश करूंगा, मुझसे 5 मिनट के ड्राइव पर है। ओके, फिर तो आप नजदीक नजदीक जो PFC क्या करते हैं दुबई में, PFC आप बताइए जी, आप क्या करते हैं दुबई में? अच्छा, और किचन वेरीफाइड आपने नहीं बताया, आप कहाँ से? बोंजोर, प्लीज कम बोंजोर, वाइटी रसम जो है, तो ऑल एक्टिविटीज को दोस्त बना लेंगे, आपको जरूर 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 वापस कर देंगे। और फैसल भाई आपको भी बुला रही है ऑल एक्टिविटीज विद मी। ऑल एक्टिविटीज ठीक है, आप भी मैं भी किसी एक इनकम दो बैक को कर दूंगा, फ्रेंड मुझे बना ले, एक दो एलटीआर दे आपको दीजिए। फ्रेंड बनाने की, इस तरह जो है ना आपका। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, आप LTR दे दे, फैसल लाइफ के बाद फौरन से आपको जो है ना वो कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी सारे लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबको बोलूंगी थैंक यू सो वेरी मच हमारे आने के लिए लाइव में। आप लोग हैं तो आई होप सो आपने सबने लाइक जरूर कर दिया वो का लाइफ को, और हमारे साथ रहे। और अगर आप सबने, बाकी सबने नहीं सुना तो बाकी सब भी आज का बम जो है वो हम फोड़ते हैं, वो ये कि YouTube जो है उन्होंने एक नया फीचर मुतारिफ कराया है, और बल्कि एक नया रूल मुतारिफ कराया है, वो ये कि आप से जो मोनो चैनल है उनसे टैक्स भी कटेगा, और वो टैक्स जो होगा उस पे उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कैसा होगा, क्या होगा, तो उस पे इंशाल्लाह हम सुबह वीडियो बनाएंगे। अब मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगी तो आप उसे जरूर देखिएगा, आपको उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा फैसल, मैंने आपसे पूछा था कि आपका कोई फ्रेंड है जिसका चैनल मोनो है, बल्कि मेरे ख्याल से मुझे सदाम जो है ना उनको मैसेज करना चाहिए। अच्छा पंसारी साहब, बाबर पंसारी, मुझे जल्दी सैयद से बताएं आपका का कोई फ्रेंड है जिसका चैनल मोनो है, है, जो उनके चैनल मोनो है। ईमेल जो आई हुई है ना उसका टेक्स्ट मुझे चाहिए। हाँ सैयद का तो है, लेकिन सैयद अभी सो गए है ना, मुझे जो ईमेल आई है ना उसका टेक्स्ट चाहिए। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट तो भेजा था उसका, तो अब वो मुझे मतलब वो स्क्रीनशॉट जिस तरीके से उन्होंने भेजा था वो मैं यूज नहीं कर सकती था, तो मुझे जो है ना वो उसका टेक्स्ट चाहिए। तो उस टेक्स्ट को मैं अपने हिसाब से पेस्ट करके ना बड़ा बड़ा सा, ताकि लोग उसे पढ़ भी लें वो सारा कुछ, तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगी, तो वो मुझे जो है ना वो टेक्स्ट चाहिए। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर किसी के फ्रेंड जो है जिसका चैनल मोनो है तो वो मुझे बता दे, तो उसके उसको मैं जो है ना वो, हाँ जी, उससे फिर मैं बात कर मतलब करके तो वो जो है लगा लूँ, क्योंकि मतलब उसमें बेशक वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो उसमें है ही नहीं मुझे, क्योंकि उन्होंने भेज दिया था सैयद ने, उसके स्क्रीनशॉट भेजे थे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसका कुछ नहीं, जस्ट टेक्स्ट है, मुझे टेक्स्ट चाहिए कि वो जो कुछ उन्होंने लिखा था ना डियर उनका नाम से लेके जहाँ तक वो एंड होती है, वो सारा का मुझे जस्ट टेक्स्ट चाहिए। ओके, तो मुझसे 5 मिनट की डायपर है, PFC आप क्या करते हैं दुबई में? बोंजोर प्लीज कम, फैसल भाई प्लीज कम, ऑल एक्टिविटीज विद मी को वॉच लाइक रिकमेंड, और दोस्त बना लिया है PFC को, प्लीज ऑल एक्टिविटीज विद मी आपने वापस करना है। मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा कि कल PFC गए हैं कि ऑल एक्टिविटीज विद मी को मैंने दोस्त बनाया था फ्री स्पिरिट की लाइव में, और उसके बाद भी वहां की एलवी से मुझे दोस्त वापस नहीं मिला, तो मेरी नाक कट जाएगी। तो प्लीज आप PFC को दोस्त तो जी जरूर 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 बनाया था, एक दोस्त का, बट उसकी सुबह की ड्यूटी होती है, इसका मतलब है वो सुबह की ड्यूटी होती है, तो इसका मतलब सो चुका होगा, कोई अगर जाग रहा है आपका तो जिससे मिल सकती जी, मैं हाउसवाइफ हूँ PFC को उसी से। ओके जी, आप हाउसवाइफ हैं फिर तो। अच्छा सबसे मजे की चीज ये कि जो हाउसवाइफ है ना उन्होंने कुकिंग चैनल बनाए हैं, और उनकी फैमिली कितनी खुश होती होगी ना कि इतने कुकिंग चैनल, मतलब कुकिंग चैनल बनाने से उनको मतलब आप होता होगा कि कोई नई डिश बनाई जाए, कोई नई डिश ट्राई की जाए, और घर वालों के मुंह में मजे की थी, उनको नई नई चीजें जो है ना वो ट्राई और खाने को मिल रही है। तो फूड आप बताएं कि आपके घर वाले कितने खुश होते, तो मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आपको मजा आता है आपके घर वालों को, कहते हैं हाँ मेरे घर वालों को तो बड़ा मजा आता है, मतलब कि हम नई नई चीजें ट्राई करते हैं, बनाते हैं, और उनको खाने को मिलती है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो आप बताइए PFC फूड से फिर आपके घर वालों को कैसा लगता है? और फैसल आपसे वो पूछ रही थी किचन वेरीफाइड कि आपका चैनल के का कॉन्टेंट किसके मुतालिक है, मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं?
तो आपका कंटेंट है। विलाग मैंने मोस्ट लाइव अच्छा किए हैं आपके लेकिन भी अब राउल्स लाइव यानी नहीं इंटर, किया। हाँ जी आपने पहले लाइव्स किए हैं, अब आप लाइव नहीं कर रहे। आपका मतलब इंटरटेनमेंट व्लॉग्स के उसमें आता है, मेरा भी इंटरटेनमेंट यस व्लॉग्स यस में आता है, बाबर का भी इंटरटेनमेंट व्लॉग्स में आता है। तो जो है ना सो हम पकाते हैं और वो खाते हैं ना यही है। हम लोग वो क्या कहते हैं ना, पका पका के जो है ना वो पागल हुए होते हैं, और वो जो है फोरन से खा के चट करके तो चले। और वो घर वालों को कहा करें आप ना, जो जो खा रहा है ना वो अपने फ्रेंड्स के पास जाके एक एक जो है ना व्यू और एक एक दोस्त जो है ना वो मस्त ला के दे। आप आज पांडे नहीं आए? नहीं आज तो पांडा नहीं आए नाजी, ये लोग तो सब जो है वो क्या कहते हैं ना ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिर, बिल्कुल भी नहीं अभी तक वापस आए। तो मैंने वही मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने अब इन सारों को बुलाना छोड़ दिए, सब पर्सनल रीजंस हैं आपको, सब जो है वो कहीं कहीं बिजी होते हैं, क्या कर रहे होते हैं क्या नहीं कर रहे होते, तो इसलिए जो है ना वो अच्छा नहीं लगता आप बार बार किसी को उनके कंफर्ट जोन से निकालें। होगा तो आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं फासे? मैंने कहा उनके पास अगर टाइम होगा तो आ जाएंगे। पांडे मेरे ख्याल में बिजी हो गया अब। ठीक मैसेज करते हैं गाइस। वहाँ जैसे इनके मैसेज स्टॉप होते हैं तो इससे ये होता है कि वाइटी आपको वाच टाइम नहीं देता इतना जितना यस्टरडे करते हैं। चाहे अगर वो मैसेज करते हैं कंटिन्यूसली तो फिर वाच टाइम सही मिल जाता है। अभी आपके ओके कितने आवर्स हो गए हैं? ओके नहीं वही वाली चीज किसके, आपके कितने और हो गए हैं? मेरे तो अभी, मैं तो अभी 4 डिजिट्स पे भी पहुंची है, तो अभी जो है मतलब कोशिश अभी ये है कि कम से कम थोड़ा सा जरा देखते हैं क्या अब। टाइम आपका कितने वर्ष हो गया है? 300, 500, 1000 कितने हो गया? अभी मतलब मेरे 3 डिजिट्स में चल रहे हैं, मतलब 4 डिजिट्स नहीं आए अभी, मतलब अभी तो समझ। बहुत कम है। तो बस यही मतलब, और पिछले कुछ दिनों से लाइव भी नहीं हो रहे, और मैसेज करो जालमो 11 की वॉचिंग है हाँ ना बाबर, आप भी जो है ना वो मैसेज नहीं कर रहे, भाई बंदा एंगेज करता है नीचे बैठे हुए आप लोगों के साथ है, आप भी ना बिल्कुल ही वेले हो जाते हैं बाबर। तो किस काम की पंसारी है, लोगों को कहीं खींच खींच कर उनकी टांगे उनको वो क्या कहते हैं ना बाजू खींच खींच के बोले लिखो लिखो, इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं कर क्या रहे हो आप, तो लिख क्यों नहीं रहे। और बाबा वैसे हम राजा और इंसानों को जी होना चाहिए था ना, ये जो है वो करते बाबर भाई आप किस सिटी से हो? पीएफसी फूड सेक्रेटरी बाबर क्यानी व्लॉग्स वाच लाइक कमेंट और दोस्त बना लिया। थैंक यू सो मच पीएफसी फूड सेक्रेटरी। थोड़ा थोड़ा
किचन वेरीफाइड को वाश लाइक कमेंट और दोस्त बना लिया है। ओके जी, थोड़ा हिलाया करो, बंदों को मैसेज भी करो साथ भी। बिल्कुल बाबा कैन भी लोग वाश लाइक कमेंट्स और दोस्त बना लिया है। ओके जी, बाबर आप प्लीज इनको वापस कर दीजिए। ठीक है, PAFC, थैंक्स। फैसल आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। और थोड़ा हिलिया करो, बंदों को मैसेज भी करो साथ जी। बिल्कुल बंदो सारे हिल जाओ। खबर आ जाओ, ऐसे बैठे आप लोग तो ऐसे बैठे तो हिलो जुलो। और ये ना पता चले हिलने जुलने का मतलब है आपने कुर्सी पे जो है ना खड़े होकर डांस करना शुरू कर दिया। आपने हिलने जुलने का मतलब ये है क्योंकि मैसेज करना है आपने। 11 लोग यहाँ बैठे हुए आप जो है चिंग करके दे रहे हैं। कोई बिल्कुल वापस आपका मिलेगा जी। बिल्कुल बाबर ने अगर आपको वापस नहीं किया ना, PFC है तो देगा। बस उसके बाद फिर आप देखिएगा बाबर की ना, मैं जो है ना वो राजा से करवाऊंगी, खुद नहीं करूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि ये बंदा मेरी लाइन में आया था और लोगों ने इसको दोस्त बनाया और इसने इनको वापस नहीं किया। फिर आप देखिएगा जो राजा इसकी करेंगे वो हो। फिर तो बाबर जो है ना एक फेक आईडी बना के उससे भी आपको कराएंगे, मतलब बहुत हो देंगे आपको वापस दोस्त। तो थैंक यू सो वेरी मच PFC हमारे साथ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लाइव में रहने के लिए, मैसेज करने के लिए, लाइक और बाकी सारा कुछ करने के लिए। बाबर आप सुनाए, आज डिनर में क्या किया आपने? और आज मेरे पास भी लेस नहीं, आज मैंने कुरकुरे खाए। वैसे मुझे कुरकुरे की बड़े पसंद है नॉर्मली जो है ना। अच्छा ओके, क्या फ्री स्पिरिट आपको दूसरे अकाउंट से दोस्त बना लिया? PFC थैंक यू सो वेरी मच मुझे दूसरे अकाउंट से दोस्त बनाने के लिए। लेकिन क्या आपका दूसरा अकाउंट जो है वो एक्टिव है? अब दूसरे अकाउंट से भी लोगों को वॉच वगैरह करती है ना, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज का भी मैसेज आया है कि उन्होंने कहा है कि जो है ना उन्होंने कहा है कि हम इनएक्टिव जो आपके मेंबर्स है ना उनको डिलीट कर देंगे। अगर आपने दूसरे अकाउंट से फ्रेंड बनाया है, दूसरा अकाउंट आपका इनएक्टिव है, तो उसको वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कर देंगे। तो दूसरे अगर आपके पास वेरीफाइड और एक्टिव, हाँ जी वेरीफाइड और एक्टिव, ओके जी बस थैंक यू सो वेरी मच। आज मैंने बनाया था आलू शिमला मिर्च। हाय शिमला मिर्च मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं पसंद। शिमला मिर्च ना मुझे जिस चाइनीज खाने में पसंद है, शिमला मिर्च और आलू ऐसे खाने में पसंद। आलू की भुजिया मुझे बहुत पसंद है। और आपने नाम लिया ना आलू का, तो मुझे ना एकदम से पता क्या चीज़ आई है। वो नहीं जैसे हलवा पूरी होती है, तो हलवा पूरी के साथ खट्टे आलू होते हैं ना, मेरे जहन में वो वाला खट्टे आलू आया और उससे मेरे मुँह में पानी आया। पूछे ही मत, कोई ना मजे की चीज़ खाने का दिल करके मेरा, और मैंने मजे की चीज़ के तौर पर सवाए मैगी के और कुछ नहीं रखा हुआ होता। तो देखते हैं कुछ खाने को मिलता है या नहीं। अभी मैं ना अभी तो नहीं जाऊँगी, ठहर छोड़ के जाऊँगी देखने के लिए कि खाने के लिए कुछ है या नहीं है। पैसा जो है उन्होंने बेचा है, यू गॉट दिस जी, बिल्कुल आई गॉट दिस, तो थैंक यू सो वेरी मच। और कौन कौन साथ है एक एक मैसेज कर दे जी। बाबा क्या कह रहे हैं, कौन कौन साथ है मैसेज कर दे। थैंक यू सो वेरी मच। उस दिन ना पैसा ने मुझे इतना पुश किया, इतना पुश किया, और उसने ना सही मेरे से LV कराई एक्टिव वाली ना। तो आज जो है वो बाबर हमारे साथ है, तो थैंक यू सो वेरी मच बाबर हमारे साथ रहने के लिए और हमें मुझे पुश करने के लिए। आप लोग ना कसम से, आप लोग जैसे दोस्त ना बंदे को और चाहिए ही क्या जो इतना साथ देते हैं और इतना कुछ करते हैं। फैसल काफी दिन से नहीं आ रहे थे ना, तो मैंने एक दो तो दिन फैसल से पूछा कि फैसल आप आ नहीं रहे। फिर उसके बाद मैंने उनको ना तंग करना छोड़ दिया ना ज्यादा, क्योंकि हर किसी की ना अपनी लाइफ रूटीन होती है और अपने हिसाब से वो चल रहे होते हैं। तो ऑफकोर्स कभी आप होते हैं इस काबिल के आ सकते, और कभी आप इस काबिल नहीं होते कि ना आप नहीं आ सकते। तो फिर ऐसे किसी को बार बार आप कहें ना कि आप आए आप आए आप आए, तो वो अगले बंदे को शर्मिंदा करने वाली बात होती है। नहीं, सच में फैसल पता है मतलब मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगने शुरू होता है।
और पीपीएफसी कह रहे हैं फैसल को वॉच लाइक कमेंट और दोस्त बना दिया है। फैसल सुन लिया आपने, पीएफसी ने आपको सारा कुछ जो है ना वो दे दिया है, तो अब आपने जो है ना वो फैसल को वापस, फैसल इनको आपने वापस करना है कल 2 बजे रात के बाद, या कल सुबह तो नहीं, परसों सुबह, या दे दीजिएगा। लेकिन प्लीज फैसल आपने अपनी नाक नहीं कटवानी कि आप पीएफसी जो है ना वो मेरी लाइफ में आके सारों को दोस्त बना रही है, ठीक है? तो जो है ना वो पता चले कि कल मेरी ये लाइफ में आए हैं, परसों आए थे, और अभी आके कहें कि मुझे तो किसी ने दोस्त नहीं बनाया, ठीक है? तो फिर मैं आप क्या कहते हैं घर के पते पता करने पड़ेंगे मुझे, और फिर मैं आके ना वहां पे आप सारों को ना दिया पहुंचा करेंगे, तो खबर पा तो आप पीएफसी को किसी ने फॉलो ना किया, तो ऐसे लोग जो मतलब बेचारे सारों को जा जाके वो कर रहे होते हैं, ठीक है, दोस्त बना रहे होते हैं, तो कितनी बुरी बात है। फिर आप उनको वापस ना करो, फिर ऐसे लोगों का दिल टूट जाता है, मेरा भी टूटा पिछले दिनों, ठीक है? तो वो उन बेचारों सबका दिल टूट जाता है कि आप तो जो है वो आप लोगों को सब दोस्त बना रहे हैं और आप उनको दोस्त नहीं बना रहे, तो फिर बंदे का दिल ही नहीं करता काम करने का, बंदा सोचता मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मैं इसीलिए तो काम कर रहा हूँ कि सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े, मुझे दोस्त बनाए, मैं उनका दोस्त बनू। तो यू आर राइट महाजी, बिल्कुल, तो इससे ना हमें जो अच्छे लोग हैं ना उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तो उनका दिल टूट जाए ना तो बेचारा का काम का उनको बड़ा होता है कि अच्छा काम करें ना करें। हाँ थैंक यू सो मच पीएफसी फॉर कमिंग है जी, बिल्कुल फ्री, टेंशन ना करो, पक्का बैठ मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब मुझे ये बड़ा होता है, पता नहीं, एक तो अब तो मेरे को बात ही नहीं सुनता, मैं किसी को कहती हूँ ना कि जाओ एक दूसरे को दोस्त बनाओ, ये करो वो करो, तो मेरी अवल को बात ही नहीं सुनता, ठीक है? और बेचारे कोई 2 4 लोग बात सुनते हैं ना, तो मुझे आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे मतलब मैं बोल रही हूँ ना, आई डोंट नो आप लोग उस बात को यकीन करोगे या नहीं करोगे, पर मुझे ना इतना गिल्टी फील होता है, इतना गिल्टी फील होता है, मेरा इतना सोचती हूँ कि पता नहीं ये लोग वापस उन्होंने दोस्त बनाया होगा उनको या नहीं, फिर वो लोग सोचेंगे हाई इसकी हम एलवी में गए थे, कितने गंदे लोगों को रख के दे बैठी हुई है ये एलवी में, है इसके एलवी के लोग तो वापस दोस्त बनाते ही नहीं है, ये तो आके पीछा तो नहीं, मेरे कहने सोचा था कि मैं कहती हूँ आप प्लीज इन्होंने वापस कर दिया वो, तो इसके ना मैं बहुत कम ही लोगों को फोर्स कर रही होती कि जाए 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 एक दूसरे की तरफ, तो जो लोग इसी तरह खुद से बोले बगैर चले जाते हैं ना उनका ज्यादा टेंशन होता है। और आपका अपना चैनल पे इंतजार रहेगा इंशाल्लाह, पीएफसी आप मुझे टाइम बता दें आप लोग किस टाइम, और ये फिजिक में मत लिखिएगा टाइम, वर्ड्स में लिखिएगा, अगर 5 लिखना तो FIV, 5 लिखना 6 लिखना तो SIX 6 लिखिएगा, जरूर आएगा, अच्छा लगेगा। आपने कहा नहीं मेरे घर आओ और खुद आऊँ जी, बिल्कुल, और ऐसे दोस्त मुझे अच्छे लगते हैं जो खुद से चले जाते हैं, बिल्कुल यार कैसे जमाना, कैसा जमाना आ गया है। ओके जी, नई खबर पता चली है आज, दिन को खैर आ गई थी ये खबर, इतनी भी नहीं है, थोड़ी पुरानी है, कि टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में दोबारा बैन हो रहा है, ऐसे काफी चीजों के लिए काम करते हैं, कभी इस जगह बैन करते हैं, फिर अनबैन करते हैं, फिर बैन करते हैं, फिर अनबैन करते हैं, फिर बैन करते हैं, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, एक दफा करें खत्म करें इस चीज को, मतलब हर दूसरे दिन बैन अनबैन बैन अनबैन भी काम करें, क्या फायदा इसका आपकी, आपके अगर होते ना इस चीज की बात या फैंटे से भी पता नहीं जाती आपकी, मतलब ऐसे पूछ करें अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सब कामयाब होंगे,
मुद्दा ही ये ही है पीएफसी के, मैं सबको ये कहती हूँ हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ जो है ना इस चीज को कोई समझता ही नहीं है कि आप क्या में भी देखें। मेरी लाइन में ना 15 लोग थे, ठीक है, अगर इन 15 लोगों ने जनरली एक दूसरे को दोस्त बनाया ना, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जुड़े, ठीक है, इसी तरह आप एक बंदे की लाइफ में एक दिन गए या 15 लोगों ने एक दूसरे को दोस्त बना लिया, ठीक है, 15 मिनट, आपको ज्यादा से ज्यादा ना 1 महीना इस तरह डिफरेंट लोगों की लाइफ में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप उनकी लाइफ में गए, आपका 15 से 20 दिन में पूरा होगा, इसी तरह आपका टाइम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ है जो नहीं करते दूसरे को उस तरह से सपोर्ट है। सारा दिन बैठ के ना फजूल के गाने सुनने के लिए देख लिया वो देख लिया, तो की चीज देख ली तो की चीज देख ली, लेकिन नहीं देखेंगे ना है तो एक दूसरे की वो नहीं देखेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से इतना मसला होता है सारों का। इस तरह तो 5 10 वो क्या कहते हैं ना वीक लगे और सारों का काम जो है वो डन हो जाए, लेकिन यहाँ पर किस लोगों को समझाए तो समझाए कौन, और जो चाहता है अल्लाह उसकी मदद फरमाए तो दूसरी मदद करे, अल्लाह उसको गैर के खजाना से ता फरमाए। जी बिल्कुल, ये तो बात है कि लोग एक दूसरे की ना सही से हेल्प नहीं कर सकती। ऐसे ठीक कहा आपने जी, बिल्कुल बाबर पंसारी आप बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं। बच्चा चला गया आपका रोता धोता, हुआ क्या था उसे? ठीक, तो थैंक यू सो मच पीएफसी प्लीज हमारे साथ रुकने के लिए, बाबर हमारे साथ रहने के लिए। दरअसल आपने लिखना बंद कर दिया, खैरियत है, ऐसा कह रहे थे कि आपको लिखना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है और सारा कुछ है, और खुद ही नहीं गए हैं तो नीचे जाकर चुप करके बैठ गए हैं, तो फैसला आप कुछ लिख नहीं गए, कुछ लिखा तो चलो हाफिज इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच पीएफसी आने के लिए, और अल्लाह हाफिज, स्लीप, गुड नाइट, स्लीप टाइट, और आते जाते रहिएगा, चक्कर लगाते रहिएगा। थैंक्स फॉर कमिंग बाबर के आने बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच बाबर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, और आप सारे जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, इंशाल्लाह 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 वरना आप सबका चैनल ना बड़ी जल्दी में मैनेज हो जाएगा। तो ओके जी, बाबा और सुनाया आप, आज आपका रूममेट आया था, बाबर आपका रूममेट आया था तो आपने कल कहा था कि आप उससे लाइव तो करवा नहीं सकते, जॉइन तो आप उससे कम से कम सब्सक्राइबर ही लेते हैं। तो बाबा मेरे पास में आपके पास तो लोग काम करते हैं, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा स्टाफ है टाइप, तो आपके पास तो लोग काम करते हैं, तो जितने आपके पास कस्टमर रहते हैं पहले तो आप पूछ सकते हैं कि तो जो है वो हमें सब्सक्राइबर पहले उनको तो, बाद में अटेंड किया करें, पहले उनका फोन पकड़ कर उसको सब्सक्राइब कराया करें। फोन की बैटरी कम हो गया तो मेरी बहन ने आगे फोन जो है ना चार्जिंग पे लगाया, फोन 3% पे आता है ना बंदे का, 2% पे लगता है जान निकलने लगी है, फोन मरने लगा, तो आके फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं। चाल है जो फोन वो रखा हो नीचे किसी बंदे ने पहले, अभी खुद ही बात करे जो भी क्या मैं, वाह सच कहो कोई सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं करता। आज एक बंदे किसकी मैं लाइफ में गई हाँ, मिमी की लाइफ में, हाँ मिमी की लाइफ में मैं दिन में थी, तो मिमी की लाइफ में बंदा कह रहा था हम सारे कजन ने ना मिल के एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम एक दूसरे की लिस्टें जो है ना वो लगा देते हैं और उन सबके जो है ना चैनल मोनोटाइज हो गए। मैं क्या अल्लाह दे बंदा ले हमारे ऐसे कजन हो ना जाए, हालांकि मेरे भी अच्छे खासे कजन हैं और मैं अगर उनको भेजना चाहूँ तो भेज दूँ, लेकिन मुझे पता है वहाँ सारे के लिए ओह माय गॉड मेसी आप क्या कर रहे हैं, अच्छा आप कर रहे हैं, हाँ आप ये कर रहे हैं, तो इस तरह की मैं तो किसी का रिस्क ही नहीं ले सकती, मैं किसी को कुछ बोलूँ है कि ये कर दो वो कर दो, बातें सुनने वाली बात है, किसी को कुछ कहो जबरदस्ती वाले लोगों से नुकसान होता है।
सच्ची में वो जैसे बना के रखे होते हैं हर किसी के नाम के बना के रखे होते हैं, नहीं किया ये वाला आईडी है, ये पासवर्ड है, ये लो हाँ ये लो और ये लो। वो मैं वही जब ना मतलब मैं अपनी फैमिली में किसी को तब बताऊंगी कि मेरा चैनल है जब आखिरी 50 लोग मुझे चाहिए, ठीक है, या आख तो तब मैं किसी को बताऊंगी है क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन कम देनी पड़ी और ये तो, अदरवाइज उससे पहले मैं किसी को बता ही ना दूं कि मैंने चैनल का कुछ किया है। अगले 100 100 क्वेश्चन पूछे, 100 100 क्या वो भी कम है, 1000 1000 में ये क्या बोला, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, फिर कैसे ये किसी ये किस तरह कल मुझे बातचीत करते हैं, कहते हैं बातचीत बातचीत करना ये इस टाइम मतलब बच्चों की क्लासेस हो होती है तो बातचीत भी घर के काम में मतलब बस लोग होते हैं जी वो, और शाम का टाइम मतलब बातचीत मुझे कहते हैं कल तुम्हारी एलवी किस टाइम एंड्रॉइड में, क्यों क्या हुआ, कहते हैं मैंने लगा के छोड़ दिया था ना फिर जब एंड्रॉइड में तो सुबह ही उठ के देखी मैं किचन में रखा ही थी ना लैपटॉप पे लगा के, मैंने क्या बिल्कुल ठीक किया आपने, अनु का भी यही काम था तो मैं हंस रही थी उनके दिन को ना अनु भी कर रही थी लाइव है तो एक काम मैं देखू मैंने क्या मैंने दोनों को बस मैसेज कर दिया था एक मैं यू में हूँ क्योंकि मैं इतना काम होता है तो बैठ के बात तो हो नहीं सकती तो मैंने बस ये मैसेज कर दिया था दोनों को कभी, और उसके बाद मैंने लगा के छोड़ दी थी तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद वो शायद बारिश स्टार्ट होगी तो आए पौधों से अंदर हैंगरों से शिफ्टिंग हो गई है तो तुम में काम होता है नहीं तो बड़े लेवल पर काम करो सबको साथ लेकर जाया जाए, टाइम कम होता है ओके टाइम कम होता है नहीं तो बड़े लेवल पर काम करो सबको साथ लेकर जाया जाए। हाँ मैं तो एक दिन सोच रही थी अगर के ना किसी चौक में खड़े हो गए तो सिम बेचते थे भाई, आज भी जरा वाली मार्केट में गई एंड एक सिम बंदा बेच रहा है यूफोन की सिम लेने के 2 520 वाले कॉल फ्री, मैंने क्या हाथ नहीं होंगे एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है अगर उसमें ना मेरे हिसाब से काम ना हुआ जिस जिस हिसाब से मैं सोच रही हूँ तो मैं एक एक दो तो दिन देख रही हूँ, अगर हम ढंग से काम करते ना तो तुम्हें भी उसमें ऐड कर लूंगी, अभी ज्यादा लोग नहीं है ठीक है, और अगर उन्होंने ढंग से काम ना स्टार्ट किया तो 2 4 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं ग्रुप्स के लिए ना तो फिर हम अपने वाला एक ग्रुप स्टार्ट करेंगे जिसमें ना इंसानों की तरह ही सर्च करा के करने वाला काम, 5 लोग हों 10 लोग हों ठीक है, और मेरी बात सुन लिस्ट भिजवा के तो स्क्रीन शॉट भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे कल मैंने भेजे थे ना वो मतलब हिस्ट्री में भी जाके आप करके भेज सकते हो, अदरवाइज जब आप लिस्ट लगाते हो तो लिस्ट के अंदर में भी वो सारा डेट हो जाता है तो आपने वीडियोस देखी होती है तो वहां से भी स्क्रीन शॉट ले भेजना मुश्किल नहीं होता तो वहां से भी हो जाता है, तो मैं वही कह रही थी कि ग्रुप बनाना है ना तो किसी अपने लोगों का बनाओ फ्री और ऑफर वाले से तंग आ जाता बंदा। हाँ खैर मैंने ली नहीं, मेरे पास ऑलरेडी वैसे सिम तो थी उसकी फोन की तो मुझे ऐसे कोई ऐसी चुल नहीं आई कि मैं नहीं जाके सिम ले लूँ और वो करूँ, बंदा ही नहीं है मरे हुए सब। पता नहीं खैर हाँ आप इजाजत है फ्री, अरे नहीं अगर अच्छा अगर आपने जाना है ना तो आप जा सकते हैं लेकिन फोन बंद नहीं देना, फोन के लाइव ऑन करके ना छोड़ दे म्यूट को लगा के ठीक है, तो फिर जो है सुबह जल्दी उठना है ड्यूटी के लिए ओके, आपने जाना है तो आप जा सकते हैं लेकिन फोन बंद करने भी जा सकते हैं, फोन है ना अगर आपकी गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आना वापस तो अगर आना है तो फिर तो ठीक है आप लाइव बंद कर सकते हैं, नहीं कौन से वाला नहीं अभी नहीं किया अभी नहीं मेरी खत्म होना लगी हुई थी इधर ही, ओके ओके मैं करती हूँ ठीक है मैं करती हूँ, सुरा मुल्क सुनते सुनते सोता हूँ आदत है एफ एंड ई की एफ एन जी एफ का पूछा था, एफ एन क्या होता है ये तो मुझे पता है एफ एन क्या होता है,
एक है एफ एन, एक है जीएफ, तो लिखना तो शायद आपने जीएफ एक है, सबकी एक ही होती है। आपने कह लोगों को 100 100 डीएफ रखते हैं, लेकिन खैर होती भी है लोगों की एक से ज्यादा भी। लेकिन अच्छा फोन, ओके फोन एक है, ओके फोन एक है, तो सलाम अलैकुम सुनते सुनते सोते हैं। चलें जी, फिर हमारे लिए भी दुआ कर लीजिए। हाँ जी, हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, और कल भी आप आइएगा हमारे, क्या कहते हैं, हमारी लाइफ में, हमें आपका इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। और तस्वीर के पैसे फ्लक्चुएट करें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी बाएं कभी बाएं बाएं। जब देखा था तो 1.1 की था, फिर वहां से सीधा 300, ऐसे जंप। वाईटी का अपना ही दिमाग खराब हो जाता है, वो चक्कर आ जाते होंगे हैं ये क्या हो रहा है, वो देखते होंगे अच्छा इसका मोनो करने लगे, जैसे मोनो पे जाते होंगे 300, ये क्या बदतमीज, ये तो मोनो होने वाला था। फिर वो कहते हैं अच्छा छोड़ो छोड़ो, थोड़ी देर बाद वो खोल के देखते होंगे ऐसे कहेंगे इसकी दोबारा मोनो की पैसा, ये मोनो होने वाला है। चलो वो हो गया मोनो, करने लगे होते होंगे मोनो, फिर वो दिल, चलो ये तमाशा लगा हुआ हो गया। हाँ लाइफ अम्मी वो कल कह रही है इंशाल्लाह दुआ आपके साथ है, अल्लाह पाक इस मुबारक आपके घर के साथ है, कामयाब करे, आमीन से मामीन। आमीन और सेम टू यू। और अगर सुबह देखिएगा, अगर आपको वो बंदा मिला ना जिससे आप तो टेक्स्ट ले सकते हैं, उसका जो ई मेल आई है, तो प्लीज मुझे टेक्स्ट लेके ना फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि आई बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर सेट ऑफ काइंडनेस, योर टू बी डी एंड सी एक्स वाई जी कुछ टाइप का। एंड अच्छा इंस्टाग्राम से भी काफी लोग आ रहे थे, वो लाइव पे तो आते हैं, लाइव पे तो जैसे लिंक इंस्टाग्राम पे दे दिए, लेकिन बायो बायो पे भी मैंने वो डाला हुआ है ना अपना चैनल का, तो मुझे लगता है वहाँ से भी आते हैं। अच्छा 267 हो गया नक्शा, होना चाहिए 268 से मैं मतलब एंड वो जो भी है 267। पिछले 3 4 दिन से तो मैंने गिल्टी की लाइव है, पुराने लाइव में सारे दोस्त ऑलरेडी को लगा नहीं रही कोई एंट्री या ड्राइव, तो कुछ आ नहीं रहा कि आज इंशाल्लाह वीडियो लगाऊंगी तो कुछ हो। तो सोचो ऐसी मौत आई पड़ी है, ऐसी डेड हुई पड़ी है सारी चीज है, और मतलब पिछले 3 4 दिनों तो समझो कोई जो टक्के की कोई डब्ल्यू टी कोई आ रहा है तो आ रहा है, समझो मतलब वो चीज जो थोड़ी बहुत लाइव की, पिछले दिनों तो वो लाइव ही नहीं होती थी, 1.5 घंटे भी लाइव हुई, दो दो चार चार बंदे आए, ठीक है ओके मैं सुबह रब्ता करूंगा उससे, ओके जी थैंक यू सो वेरी मच, मैं रब्ता करके जरूर 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 बताइएगा। तो तुम सोचो कि वो वाइटी जो थी कल जो हुई वो 1 घंटा और 1 मिनट की हुई, ठीक है उससे पहले 3 घंटे की लाइव हुई और उसमें दो दो तीन तीन बंदे थे, ठीक है, और उससे पहले वो 10 मिनट की जो वीडियो वो लगाई थी कार्डबोर्ड वाली वो वाली हुई, ठीक है उसके बाद से तुम सोचो कल वाली एक लाइव हुई है जिसमें कोई ढांकी हुए थे, उससे 2 दिन तो लाइव हुई नहीं ना, हुई ना तो नेट था ना कुछ की लाइव हुई थी, तो ये 4 दिन 5 दिन मैंने सोचा हुआ था कि आप जिस लेवल पे मैं जा रही हूँ उससे नीचे ही जाना, खेत हुआ मैंने ऊपर रहना था उस लेवल से, कोई वो क्या कहते हैं ना वॉच टाइम नहीं आ रहा था, इतना जो हुआ ना मिट्टी मैंने काम स्टार्ट किया था है ढंग से, और अब मैं समझो 12 दिन हो गए मेरे कोई वीडियो और ढंग से कोई अपडेट नहीं दिया है, मतलब मेरी 12 वीडियोस पड़ी हुई है पेंडिंग जो मैंने बनानी है, किसी न किसी टॉपिक बनानी है, मतलब मेरी टीवी की जैसे वो 1 2 3 4 करके आगे जा रही थी उस तरह मेरी जानी चाहिए। जब वो आज ना ऑफिस में एक लड़का ने उसने बनाई वो मुस्तवान ने उसने बनाई हुई थी ना, तो कहता है कि मैंने आज वो अपलोड किए चैनल के ब्लॉग तो जरा जाकर देखना, कैसा ठीक है
6 मिनट का अलाउ लगाया 7 महीने बाद, तो मैंने उसको कहा, मैं कहता मैंने ना आपसे कहते हर महीने 3 वीडियो उसको लगाया करूंगा, फिर देखे खैर ये तो हर महीने 3 वीडियो कहता है हाँ, कहता है 5 घंटे लगे मेरे इसकी एडिटिंग पे, मैंने देखा यार खेत ऐसा कख भी नहीं है, तो उसमें 5 मिनट लगे, खैर ये थे 5 मिनट 30 सेकंड लगा लिए इस वाले पे एडिटिंग पे। मैंने कहा वो जो स्वराज जोशी जो है वो करता है व्लॉग, ठीक है वो फ्लाइंग बीच वाला व्लॉग करता है, उसके बाद ये करते हैं व्लॉग्स, ठीक है इनमें कौन सी एडिटिंग, इतनी ज्यादा एडिटिंग वाला काम होता है, नहीं करती हूँ, बकवास ही होता है बेशक, क्या उसमें इतनी एडिटिंग होती है क्या? चलो आपके 2 घंटे लग जाते हैं फिर भी चीजों पे इधर उधर करने कराने पे, लेकिन आप 5 घंटे एडिटिंग पे लगा दो, आप अपना कंटेंट किस तरह का बनाओगे, आपको 5 घंटे लगाने ही ना पड़े, और वो बिना ही क्या हुआ जिसमें, और आपके पास कौन सी इतनी वो क्या कहते हैं ना, और वो था भी क्या अगस्त में ना खानसपुर गए थे तो वहां रस्की की वीडियो और वो सारी कुछ के ऊपर म्यूजिक भी पाया ना रस्की की वीडियो पे, हाँ टाइम लगता है नो डाउट, लेकिन 5 घंटे इज टू मच, ठीक है तो हाँ तो वही मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा तुम ना मतलब अपनी चीजें ना जरा ढंग से वो करो, और दूसरा ये हाँ तो मेरी मेरा तुम ले गई मातम में तो वो क्या काम है मेरे, फिर देख मैं अपने कितने गंदे वहां याद बनाती, तुम्हारे तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ देख लेती हूँ, कल जाते ही तुम तो मुझे ना मुझे ना ढंग के टाइम पे ना मैसेज करते हैं ना, ठीक है तो मैं ना इंशाल्लाह बैठे ओके माँ सुबह ओके जी ठीक है, पर मुझे फिर इंस्टा पे भेजना, उस पे ना भेज देना बस, हाँ उस पे भेज देना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि ना मैं अपना ऑन रखूँ ना, ताकि मुझे ना पता चलता रहे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, वहां पे भी ना कभी कभी ना बिल्कुल ही मतलब टाइम नहीं मिलता इंस्टा खोलने का भी ना, फिर एवं मतलब उस दिन बेटी भी मेरे फोन किया मुझे तो पीछे कहती है कि ये कर तो ये और आगे पीछे,
अच्छा, आजाद देश के बच्चों सलाम में सभी मेरा आशीर्वाद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। मुझे लगता है आप जा चुके हैं, मैंने देखा नहीं। बड़े बड़े लोग आए थे चले गए। अगर आप मैं प्रोग्राम सुन रही ਫੁੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪੁੱਛਦੇ।